चालू स्वागत है।, तो है आप सभी लोगों का द स्पीड के यूट्यूब चैनल पे यूपीएसआई के लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको पढ़ाया जा रहा है परमुटेशन डोमिनेशन पहला लेक्चर इसका कंप्लीट हो चुका है जिसमें मैंने क्रमचय संचय का बेसिक क्लियर कर दिया है आपको काउंटिंग का रूल बता दिया है एडिशन और मल्टीप्लीकेशन का फैक्टोरियल समझा दिया है अब आज से हम लोग इस सेशन से प्रैक्टिस सेट करना शुरू कर रहे हैं और अभी इस सेशन में मैं आपको तीस क्वेश्चन कराऊंगा फिर ऐसे ही और भी सेशन आपको मिलेंगे टोटल हंड्रेड क्वेश्चन मुझे कराना है इससे पूरा पूरा यूपीएसआई आपका कवर हो जाएगा कुछ भी रटना नहीं है आपको समझते हुए सारे काम करने हैं कि क्वेश्चन चाहे जैसा भी एग्जाम में आप आ, आपका पूछे आप आराम से उसको कर लें तो जैसे आप परसेंटेज और प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बह, बहुत ही आसानी के साथ वैसे ही आप परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन आसानी के साथ सॉल्व करेंगे बस इस सेशन को एक दो बार तीन बार आप देख लीजिएगा चलिए ध्यान से देखिए आगे हम क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट के कराना शुरू करने जा रहे हैं ध्यान से देखिए ये प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित के मान ज्ञात करिए जैसे हमने फैक्टोरियल तो आपको पहले लेक्चर में भी समझा दिया है लेकिन देखिए यहां भी क्वेश्चन आए हैं छोटे छोटे सवाल हैं ये पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में तो इसको भी देख लीजिए फैक्टोरियल फाइव या बच्चों इसको ऐसे भी लिख सकते हैं फाइव फैक्टोरियल ध्यान से देखिए इसका मतलब क्या हो गया पांच गुड़े चार गुड़े तीन गुड़े दो गुड़े एक इसका अर्थ में पहले आपको समझा चुका हूं कि लगातार आपका पांच तक की संख्याओं का गुड़ा होगा या पांच से शुरू करिए लगातार एक तक की संख्याओं को गुड़ा करते हुए जाइए ये प्रोडक्ट ही क्या है फैक्टोरियल फाइव है आपका अब देखिए आपकी इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी ध्यान से देखिएगा पांचों के बीस बीस या साठ और साठ दुना एक सौ बीस आ जाएगी ये वैल्यू ये आपका आंसर है तो ऑप्शन ए इज करेक्ट अब देखिए इसी में दूसरा क्वेश्चन है आपका फैक्टोरियल सेवन फैक्टोरियल सेवन इसका मतलब क्या हो जाएगा सात से शुरू होगा एक तक मल्टीप्लाई होगा ये नंबर सात गुड़े छह गुड़े पांच गुड़े चार गुड़े तीन गुड़े दो गुड़े एक ये आ जाएगा पचास चालीस देखिए मैंने आपको बताया है कि अगर आप जल्दी से कैलकुलेशन अपना क्रमशः संचय का करना चाहते हैं तो आप फैक्टोरियल सात तक की वैल्यू याद कर लीजिए और मैंने पहले वाले लेक्चर में नोट भी कर दिया है आप भी नोट करके याद कर लीजिएगा उसको बहुत ही अनिवार्य है आपके लिए चलिए आपका आपका पहले का ही तीसरा पार्ट है ध्यान से देखिएगा हर एक बच्चा ध्यान से देखे फैक्टोरियल सेवन माइनस फैक्टोरियल फाइव लिखा हुआ है फैक्टोरियल सेवन की अभी अभी आपने वैल्यू निकाली है पचास चालीस और फैक्टोरियल फाइव की वैल्यू याद होनी चाहिए आपको फैक्टोरियल फाइव की वैल्यू हो जाएगी मेरे बच्चों इसमें से घटा देंगे तो कितना आएगा चार हजार नौ सौ बीस आ रहा है यह आपका दूसरा वाला आंसर सही है अब देखिए इसमें चौथा वाला पार्ट है ये तीसरा क्वेश्चन था इसमें पहले का तीसरा और चौथा है ध्यान से देखिएगा फैक्टोरियल अपॉन फैक्टोरियल फाइव इसको कैसे सॉल्व किया जाता है, है. कि है, uh, है सात गुड़े छ और आगे आएगा आपका पांच गुड़े चार गुड़े तीन गुड़े दो गुड़े एक तो उसको हम फैक्टोरियल पाँच लिख सकते हैं आगे बात समझ में पूरा पांच गुड़े चार गुड़े तीन गुड़े दो गुड़े एक को क्या लिख सकते हैं फैक्टोरियल पांच और यहां नीचे फैक्टोरियल पांच ऐसा इसलिए किया जाता है कैलकुलेशन आपका ईजी हो जाए ये फैक्टोरियल पांच से फैक्टोरियल पाँच आपका कैंसिल हो गया तो ये आ गया 42। तो ये 42 आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा हर एक बच्चा देखे ये आपका नॉर्मल कैलकुलेशन है सभी लोग ध्यान से देखें कितने बच्चे लाइव हैं मुझे दिख नहीं रहे चलिए देखिए अब इसके बाद आपका इसी में पांचवा पार्ट है ध्यान से देखिएगा पांचवा क्वेश्चन है लिखा हुआ है फैक्टोरियल बारह और बटा में फैक्टोरियल दस और फिर इंटू फैक्टोरियल दो लिखा गया है ध्यान से देखिए मेरे बच्चों इसको भी सॉल्व करना है बहुत नॉर्मली सॉल्व कर सकते हैं फैक्टोरियल बारह का मान पूरा निकालने की जरूरत नहीं आप इसको फैक्टोरियल टेन में ब्रेक करिए कि नीचे ऊपर ये फिगर क्या हो जाए आपका कैंसिल हो जाए तो फैक्टोरियल बारह को लिख सकते हैं बारह गुड़े ग्यारह गुड़े दस मत लिखिए सीधे उसको फैक्टोरियल दस लिख दीजिए ध्यान से देखिए एक मिनट यहाँ ग्यारह है बच्चे ये ग्यारह है गुड़े फैक्टोरियल दस लिख दिए लिख दिया आपने ये हो गया फैक्टोरियल दस गुड़े अब ये हो जाएगा फैक्टोरियल दो का मान दो होता है ये इससे कैंसिल हो जाएगा और ये कितना आ जाएगा छह बार में कट गया और ये आ गया सिक्स ये आपका सी आंसर है क्लियर है पहले में पांच क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए ये छोटे छोटे कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन है पूछे जाते हैं आइए अब आपका दूसरे नंबर का सवाल है ध्यान से देखिएगा ये भी एक बहुत छोटा सा सवाल है इसको तो सबको दिखाई दे रहा है इसका आंसर क्या होगा इसका आंसर क्या होगा ट्वेंटी सीधा सीधा दिखाई दे रहा है लिखा है फैक्टोरियल 20 फैक्टोरियल 19. अब ये नहीं कि पूरा मान निकालना है फैक्टोरियल ट्वेंटी का ऐसा कुछ नहीं है इसका मतलब हुआ बीस से शुरू होगा एक तक गुड़ा होता हुआ जाएगा तो बीस गुड़े उन्नीस आएगा तो वहीं से 19 से लेके एक तक मल्टीप्लाई होगा जिसको हम फैक्टोरियल 19 कह सकते हैं और नीचे फैक्टोरियल उन्नीस लिख दीजिए हमेशा जो नीचे है उस रूप में तोड़ने का प्रयास किया करिए कि नीचे ऊपर से फिगर आपका कैंसिल हो जाए आराम से और फैक्टोरियल 19 19 से ये फैक्टोरियल कैंसिल हो गया कितना आ गया? 20। क्लियर सारे बच्चों को कोई डाउट तो नहीं है अब आ जाइए तीसरे नंबर का सवाल है लिखा गया है 12p पी इज इक्वल टू तेरह सौ बीस है मेरे बच्चों आर की वैल्यू चाहिए हर एक बच्चा ध्यान दे अब देखिए एक जीरो है तो ये दस के रूप में टूट सकता है एक सौ बत्तीस को आप डायरेक्ट बोल सकते हैं बारह गुड़े ग्यारह इतना कैलकुलेशन तो आपका स्ट्रांग होना ही चाहिए और नहीं तो गुड़न खंड करके सेट करिए और सेट क्रमागत रूप से ही करिएगा कि आपका जो एक्सपेंशन होगा ये क्रमागत रूप से ही दिखता है तो क्रमागत रूप से ही करना चाहिए तो ट्वेल्व पी आर को आप लिख सकते हैं 12 गुड़े ध्यान से देखिएगा 12 गुड़े ग्यारह गुड़े दस लिख सकते हैं ध्यान दीजिएगा मेरे बच्चों आगे इसकी चीजें कटी हैं, मतलब यहां क्या रहा होगा अगर फैक्टोरियल में सेट करना चाहे तो फैक्टोरियल आपका नौ रहा होगा और नीचे भी क्या आया होगा फैक्टोरियल नौ। तभी फैक्टोरियल नौ से फैक्टोरियल नौ कटके आपका बारह गुड़े ग्यारह गुड़े दस बचा है केवल आई बात समझ में ये चीज आपकी अतिरिक्त है ये चीज हमने खुद लिखा है तो यह यहां रहा होगा तभी ये चीज इससे क्या हुई होगी कटी होगी तो मेरे बच्चों यहां फैक्टोरियल नौ कब आ सकता है ध्यान से देखिए आप जानते हैं कि एन पी आर की जो वैल्यू होती है वो होती है फैक्टोरियल फैक्टोरियल अपॉन में फैक्टोरियल आर. होती है कि नहीं होती है ध्यान से देखिए ये वैल्यू क्या हो गई आपकी साफ दिखाई दे रही ये वैल्यू तो फैक्टोरियल बारह हो गई ऊपर वाली पूरी वैल्यू फैक्टोरियल बारह हो गई और नीचे क्या आएगा फिर ध्यान से देखिएगा निश्चित रूप से आएगा बारह माइनस आर क्या आएगा बारह माइनस आर और बारह माइनस आर की वैल्यू क्या आई है नौ आई है तो बारह माइनस आर की वैल्यू क्या आ गई नौ आ गई तो मेरे बच्चों R की वैल्यू क्या क्या आएगी 3 आएगी यही आपका होगा होगा आंसर होगा. इस तरीके से आप कंपेयर करके आराम से अपने प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं क्लियर हो गया सारे बच्चों को कोई डाउट हो तो हमें बताइएगा आप लोग आ रही है बात समझ में सही है अब देखिए अगला क्वेश्चन है आपका एन पी फोर इज इक्वल टू थ्री सिक्सटी इसको आइए ब्रेक करते हैं एन पी फोर इज इक्वल टू लिखा हुआ है थ्री सिक्सटी अब तीन सौ साठ का हम गुणनखंड करेंगे एन पी फोर तो ये मेरे बच्चों हो जाएगा छह गुड़े पांच गुड़े चार गुड़े हर एक बच्चा देखे छह गुड़े पांच गुड़े चार गुड़े तीन ये आ रहा है आपका निश्चित रूप से फैक्टोरियल सिक्स तैयार होना चाहिए क्या तैयार होना चाहिए फैक्टोरियल सिक्स क्योंकि आप एन पी आर की वैल्यू जानते हैं क्या होती है फैक्टोरियल एन अपॉन में फैक्टोरियल एन माइनस आर तो ये फैक्टोरियल में तैयार होना चाहिए इसके लिए यहां किसका मल्टीप्लीकेशन होना चाहिए फैक्टोरियल टू का मल्टीप्लाई होना चाहिए तो मेरे बच्चों नीचे निश्चित रूप से फैक्टोरियल क्या आएगा टू आएगा तभी ये इससे क्या होगा कैंसिल होकर इतना बचेगा इसका मतलब तीन सौ साठ होता है इस तरह से आपको सेट करना है तो ये जो वैल्यू है ये फैक्टोरियल एन माइनस आर की वैल्यू है मतलब बच्चों ये ध्यान से देखिएगा ये जो वैल्यू है फैक्टोरियल एन माइनस आर की वैल्यू है यानी कि एन माइनस आर की वैल्यू कितनी आ रही है दो आ रही है तो एन माइनस आर की वैल्यू चार है आपके क्वेश्चन में देख लीजिए ये बराबर किसके आएगा दो के हर एक बच्चा देखे तो एन बराबर कितना आ गया आ गया या डायरेक्ट भी आप बोल सकते हैं कि फैक्टोरियल सिक्स सिक्स वैल्यू हो गई ध्यान से देखिएगा फैक्टोरियल सिक्स तो निश्चित रूप से एन का मान क्या होगा छह होगा सीधे तुलना हो जाएगी ये आएगी ना वैल्यू फैक्टोरियल सिक्स नीचे देखना ही नहीं है सीधे सीधे एन का मान क्या हो जाएगा डायरेक्ट बोल सकते थे की वैल्यू क्या हो हो जाएगी जाएगी डायरेक्ट यहां से बोला जा सकता था यह बनेगा आपका फैक्टोरियल सिक्स ये बनेगा आपका फैक्टोरियल सिक्स सारे बच्चों को क्लियर हो रहा है कोई डाउट तो नहीं आ रही है बात समझ में चलिए अब आइए अगले क्वेश्चन पे एन पी थ्री बराबर 9240 दिया हुआ है सभी लोग देखेंगे एन पी थ्री बराबर दिया नौ अब देखिए बच्चों इसका भी गुणनखंड आपको करना है तो NP3 की वैल्यू होगी 22 गुड़े इक्कीस गुड़े बीस क्लियर सारे बच्चों को हर एक बच्चा देखे बाईस गुड़े इक्कीस गुड़े बीस पक्का ये फैक्टोरियल 22 बनेगा तभी ये सॉल्व हुआ होगा तो एन का मान क्या आएगा बताइए बाईस आएगा सीधी सीधी कहानी खत्म हो गई यहीं से देख लीजिए बाईस गुड़े इक्कीस गुड़े बीस शॉर्टकट लग गया यहीं पर आपका पक्का ये फैक्टोरियल बाइस का फिगर बनेगा यानी कि का मान क्या हो गया बाइस ये पक्का किस में बनना है सीधे सीधे फैक्टोरियल में जाना है वैसे ये कैसे फैक्टोरियल बाइस बनेगा यहां आएगा फैक्टोरियल उन्नीस और नीचे आएगा फैक्टोरियल उन्नीस तो ये बन गया पूरा फैक्टोरियल बाइस और ये नीचे हो गया फैक्टोरियल बाइस माइनस तीन यानी कि फैक्टोरियल उन्नीस हो गया ये हो गया आपका क्या ध्यान से देखिएगा फैक्टोरियल फैक्टोरियल 22 अपॉन में फैक्टोरियल 22 माइनस तीन हो गया फैक्टोरियल उन्नीस ये पैटर्न बनता है तो एक ही बार में पकड़ सकते हैं आप कि एन का मान क्या होगा आपका आपका बाईस होगा तो ये आपका आंसर बाईस सी वाला आंसर क्या है सही है हर एक बच्चा देखेगा सी वाला आंसर सही है दो लिखा था हमने एरर को सही कर दिया आगे दो बना दिया बाइस ये आंसर सही है अब देखिएगा अगला क्वेश्चन है आपका लिखा हुआ है एन सी टू इज इक्वल टू एन सी फाइव लिखा है देखिए इसको मेरे बच्चों अगर ब्रेक करेंगे तो कैसे ब्रेक होगा ये ऊपर आ जाएगा हर एक बच्चा देखे फैक्टोरियल एन अपॉन में देखिएगा ये हो जाएगा आपका फैक्टोरियल टू और इन टू फैक्टोरियल एन माइनस टू देखिए देखिएगा ये आपका फैक्टोरियल एन अपॉन में फैक्टोरियल फाइव और इनटू क्या हो जाएगा फैक्टोरियल एन माइनस फाइव हो जाएगा अब देखिए फैक्टोरियल एन से फैक्टोरियल एन कैंसिल हो गया अब क्या होगा यहां पर ये में हो गया फैक्टोरियल टू को टू बोल देंगे और ये फैक्टोरियल एन को थोड़ा एक्सपेंड करिए कहां तक जाइए एन माइनस फाइव तक तो एक, एक कम करते हुए निकलेंगे हम ऐसे ही तो हमने आपको सिखाया है जैसे फैक्टोरियल पांच की वैल्यू हो गई पांच गुड़े चार फिर एक कम करके तीन फिर एक कम करके दो फिर एक कम करके एक वैसे ही फैक्टोरियल एन माइनस टू की वैल्यू क्या होगी ध्यान से देखिए एन माइनस टू होगी फिर मेरे बच्चों क्या होगी एन माइनस थ्री एक कम करेंगे तो एन माइनस थ्री आएगा फिर एन माइनस फोर आएगा फिर एन माइनस फाइव आएगा तो वहां क्या लगेगा फैक्टोरियल क्योंकि तो आगे एक्सपेंशन में हम नहीं जाएंगे क्लियर है तो इसको लिख सकते हैं फैक्टोरियल एन माइनस फाइव ये इज इक्वल टू हो जाएगा वन बाई फैक्टोरियल फाइव की वैल्यू होती है एक सौ बीस और गुड़े फैक्टोरियल एन माइनस फाइव हो गया मेरे बच्चों इससे ये क्या हो गया कैंसिल इसीलिए ऐसा काम किया है कुछ लोग सोचेंगे सर एन माइनस है इसको ब्रेक करिए तो इसको ब्रेक करेंगे तो ये चीज नहीं मिलेगी ना आपको ये आगे आपका किस तरीके से जाएगा एन माइनस फाइव एन माइनस सिक्स एन माइनस सेवन ऐसे जाएगा एक-एक कम करते हुए यहाँ एन माइनस एन माइनस टू से एन माइनस फाइव आपका मिल जाएगा तो एन माइनस टू एक कम हुआ फिर एन कम हुआ एन माइनस थ्री आया फिर एक कम हुआ एन माइनस फोर आया फिर एक कम हुआ एन माइनस फाइव आया, आया। यही रोकना है मुझे यहीं रोकना है लास्ट हमें वन तक नहीं जाना तो यहीं फैक्टोरियल एन माइनस फाइव लगा के रोक देंगे इज इक्वल टू वन बाई वन ट्वेंटी इन टू फैक्टोरियल एन माइनस फाइव हो गया ये कट गया तो मेरे बच्चों दो से कटेगा कितना आया साठ देखिये एन माइनस टू एन माइनस थ्री एन माइनस फोर बराबर किसके साठ का गुड़न ठंड करेंगे तो क्या आ रहा है पांच गुड़े चार गुड़े तीन आ रहा है तीन ही फैक्टर लीजिएगा क्योंकि यहां भी तीन फैक्टर दिखाई दे रहे हैं तो अब बताइए पांच गुड़े चार गुड़े तीन तो एन का क्या मान लिया जाए कि यहां पांच आ जाए यहां चार आ जाए और यहां तीन आ जाए कॉमन सेंस की बात है क्या लेंगे पांच लाने के लिए मेरे बच्चे सात लेंगे यहां पांच लाने के लिए तुलना कर लीजिए एन माइनस टू की वैल्यू पांच तो एन बराबर कितना आ गया सात एन माइनस थ्री की वैल्यू चार तो आपका एन बराबर यहां से भी क्या आ रहा है सात आ रहा है किसी भी किसी का भी तुलना कर लीजिए आराम से फिगर पता चल जाएगा तो एन माइनस टू बराबर हो गया अगर पांच तो एन बराबर क्या आएगा सात ये आपका डायरेक्ट आंसर आ गया इसका एक शॉर्टकट होता है ध्यान से देखिए शॉर्टकट क्या होता है शॉर्टकट मेरे बच्चों अगर दिया हुआ है हर एक बच्चा देखेगा एन सी मान लिया टू बराबर दिया है एन सी फाइव तो मेरे बच्चों एन बराबर डायरेक्ट क्या होगा टू प्लस फाइव सीधे सेवन आ जाएगा डायरेक्ट इतना सब करने की जरूरत नहीं है N c टू बराबर दिया है N c फाइव तो सीधे एन बराबर क्या आ गया टू प्लस फाइव यानी कि सीधे आ गया सेवन हर एक बच्चा देखेगा जिम्मेदारी से इसके बाद सातवें नंबर का सवाल है आपका लिखा हुआ है वन बाई फैक्टोरियल एट प्लस वन बाई खिड़की खुली तो नहीं है कीड़े आ रहे हैं उसको बंद करिए वहां से बंद करिए यहां से खुला हुआ है यहां से खुला है देखिए चलिए देखिए अपॉन में वन अपॉन फैक्टोरियल नाइन इज इक्वल टू है बच्चों एक्स बाई फैक्टोरियल टेन अब देखिए क्या लिख सकते हैं इसको वन बाई फैक्टोरियल एट रहने दीजिए और इसको लिख सकते हैं वन बाई नाइन इंटू फैक्टोरियल एट इज इक्वल टू ध्यान से देखिए इसको लिख सकते हैं एक्स बाई टेन इंटू नाइन इंटू इसको भी लिख सकते हैं फैक्टोरियल एट के सब किस में हो फैक्टोरियल एट में गए ये भी फैक्टोरियल फैक्टोरियल एट सब क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा हर एक बच्चा देखे तो ये आ गया वन प्लस वन बाई नाइन तो ये क्या का आ जाएगा आपका टेन बाई टेन बाई नाइन आ गया हर एक बच्चा देखेगा इज इक्वल टू एक्स बाई टेन इंटू नाइन मेरे बच्चों नाइन से नाइन कैंसिल इक्वल टू कितना आया हंड्रेड ये आपका आंसर हो गया इस तरीके से नॉर्मली सॉल्व कर सकते हैं फैक्टोरियल वाली चीजों को कटाने के लिए आपको वर्क करना है हर एक बच्चा जिम्मेदारी से ध्यान देगा चलिए अब इसके बाद आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे क्या है बेटा मैं आपको टेलीग्राम पे टेलीग्राम पे इसका पीडीएफ अभी दे दूंगा अभी पहले लेक्चर का और दूसरे लेक्चर का केवल जो पीपीटी बनी है वो दे दीजिए या एक काम कर लीजिए बच्चों को प्रॉपर सोल्यूशन करके कॉपी पे जितना कराया गया है उतना एक नोट प्रोवाइड करा दीजिए कल ये बेहतर होगा सही है देखिए अब आपके सामने क्वेश्चन आया है शब्द के अक्षरों से कितने शब्द बनाए जा सकते हैं परमुटेशन है कि कॉम्बिनेशन है डेफिनेटली परमुटेशन है अरेंजमेंट करना है यहां पर शब्द बनाएंगे तो बच्चे आप अगर दाएं बाएं अक्षरों को उठा के रखेंगे क्या होगा आपका वहां पर नया शब्द का निर्माण होगा कि नहीं तो यहां अरेंजमेंट करना है क्या करना है अरेंजमेंट तो अरेंजमेंट में क्या लगता है परम्यूटेशन तो क्या बोला है शब्द स्टिक के अक्षरों से कितने शब्द बनाए जा सकते हैं यह क्वेश्चन है आपका हर एक बच्चा जिम्मेदारी से देखेगा यह बड़ा कैसे हो गया चलिए देखिए तो मेरे बच्चों देखिए सभी अक्षरों को लेना है स्टिक में कुल कितने अक्षर हैं तीन दो पांच यही दो चार दस सवाल समझ लीजिए अच्छे से आगे कहीं प्रॉब्लम होगी नहीं स्टिक में टोटल टोटल अक्षर अक्षर कितने हैं हैं पांच सभी पांचों अक्षरों को लेना है सभी कितने अक्षरों को लेना है पांचों अक्षरों को लेकर ले, लेना है और शब्द बनाना है तो यह अरेंजमेंट है क्या है अरेंजमेंट और अरेंजमेंट मतलब क्या हो गया आपका बताइए परम्यूटेशन क्रमचय क्लियर है सारे बच्चों को तो जहां भी क्रमचय की बात होगी एन पी आर लगेगा मतलब एन वस्तुओं में से सभी एन वस्तुओं को लेकर शब्द आपको बनाने हैं तो ध्यान से सुनिएगा यहां पर क्या होना है एन का मान क्या है मेरे बच्चों पांच है आर का मान भी क्या है पांच है सभी पांच वस्तुओं में से पांच वस्तुओं को लेना है पांच अक्षरों में से पांच अक्षरों को लेना है ध्यान से देखिएगा तो कैसे अरेंजमेंट होगा मेरे बच्चों एनपीआर से अरेंजमेंट होता है एनपीआर का मतलब हो गया फाइव पी फाइव हो गया और फाइव पी फाइव का मतलब क्या होता है फैक्टोरियल फाइव इसको समझ लीजिए अगर सभी दिए गए वस्तुओं में से सबको लेकर अरेंज करना है सबको लेकर अरेंज करना है तो बच्चों फैक्टोरियल एन तरीके होते हैं कितने तरीके होते हैं फैक्टोरियल एन इसकी वैल्यू आएगी फैक्टोरियल फाइव अगर एन पी एन की बात कर लें एन पी एन की वैल्यू फैक्टोरियल एन आती है मेरे बच्चों कैसे फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस एन यही तो होगा फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस आर तो मेरे बच्चों देखिए फैक्टोरियल फैक्टोरियल अपॉन आ गया और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी फैक्टोरियल जीरो की वैल्यू वन होती है तो आ गया फैक्टोरियल एन ये दिमाग में आपके रहे एन सभी वस्तुएं दी गई हैं सभी वस्तुएं कितनी है एन है उनमें से सभी एन वस्तुओं को लेकर अरेंज करना है तो जो अरेंजमेंट के तरीके होते हैं एनपीआर के हिसाब से होगा तो एनपी एन हो जाएगा और एनपीएन की वैल्यू आती है फैक्टोरियल एन तो आने वाले क्वेश्चंस में अगर कहीं सभी को लेकर अरेंज करना हो और हम सीधे फैक्टोरियल एन तरीके बोल दें तो कंफ्यूज मत होइएगा अगर वहां हम डायरेक्ट बोल दें कि पांच अक्षर हैं पांचों को लेकर शब्द बनाना है तो फैक्टोरियल पांच तरीके होंगे तो आप ये समझते रहिएगा हम बात किसकी कर रहे हैं हम एनपीआर की ही बात कर रहे हैं लेकिन उसमें क्या है बच्चों एन की वैल्यू भी पांच है और आर की वैल्यू भी पांच है एन मतलब दी गई सारी वस्तुएं आर मतलब उनमें से ली गई वस्तुएं तो जितनी दी गई है उनमें से सबको लेकर आपको अरेंज करना है तो पैटर्न हो गया एनपीएन और एनपीएन की जो वैल्यू आती है वो क्या आती है आपकी बताइएगा वो आती है आपकी फैक्टोरियल एन आती है तो इसी तरह से फाइव पी फाइव वैल्यू क्या आएगी बच्चों फैक्टोरियल फाइव आएगी फैक्टोरियल फाइव तरीके होंगे कितने तरीके होंगे फैक्टोरियल तरीके होंगे और फैक्टोरियल की वैल्यू आपको पता है कितनी एक सौ बीस क्लियर है फैक्टोरियल फाइव की वैल्यू कितनी एक सौ बीस तो यह सुन लीजिएगा जितनी भी वस्तुएं दी गई हैं सभी वस्तुओं को लेकर उनको अरेंज करना है एन वस्तुएं दी गई हैं एन को लेकर अरेंज करना है तो तरीके कितने होंगे अब डायरेक्ट शॉर्टकट में बोला करिए पूरा पूरा एन पी एन बोलने की जरूरत नहीं है आप उसको डायरेक्ट कह सकते हैं उसके फैक्टोरियल एन तरीके होंगे मतलब यहां पर पांच अक्षर अच्छा दिए गए हैं तो कितने तरीके होंगे फैक्टोरियल फाइव तरीके होंगे हर एक बच्चा जिम्मेदारी से देखेगा आ रहा है समझ में कोई डाउट तो नहीं क्लियर है कि नहीं ये चीज चलिए तो आंसर क्या हो गया आपका बी वाला आंसर इज करेक्ट 120 कोई डाउट तो नहीं सबको क्लियर हो रहा है अब इसके बाद आ जाइए नौवे नंबर के क्वेश्चन पे आ जाइए शब्द क्रीम के अक्षरों को अलग अलग कितने प्रकार से क्रमबद्ध किया जा सकता है तो इसमें भी आपका अलग अलग क्रमबद्ध करना है परमुटेशन है तो मेरे बच्चों बताइए सभी अक्षरों को लेना है तो कितने अक्षर हैं? तीन दो पांच अक्षर हैं। तीन दो पांच अक्षर हैं पांच में पांचों अक्षरों को लेना है तो तरीके कितने होंगे अरेंज करने के बताइए तरीके कितने होंगे अरेंज करने के फैक्टोरियल फाइव तरीके होंगे कितने तरीके होंगे फैक्टोरियल फाइव फैक्टोरियल फाइव आया कहां से फैक्टोरियल फाइव आया कहां से बताइए फाइव पी फाइव से ही आ रहा है आपका पांच अक्षर दिया है और पांच में पांचों को लेकर आपको अरेंज करना है तो सिस्टम क्या होता है परमोटेशन का फाइव पी होता है और फाइव पी को सॉल्व करेंगे तो फैक्टोरियल फाइव ही आएगा तो इस प्रश्न का उत्तर डायरेक्ट दिया जा सकता है फैक्टोरियल फाइव तरीके मतलब क्या बच्चों फाइव पी फाइव मतलब क्या फैक्टोरियल फाइव तरीके तो आने वाले समय में बार बार फाइव पी फाइव नहीं बोलेंगे अगर ऐसा क्वेश्चन आए सभी को लेना है तो सभी को लेना है तो सीधे तरीके कितने हो जाएंगे आपके बताइए पांच अक्षर है पांच में सभी को लेना है तो तरीके फैक्टोरियल फाइव हो जाएंगे तरीके क्या हो जाएंगे फैक्टोरियल फाइव हो जाएंगे इस चीज को समझिएगा तो मेरे बच्चों ये वैल्यू कितनी आएगी ये आ जाएगी 120 मान रटे हुए हैं आप फैक्टोरियल फाइव का मान क्या होता है 120 तो डायरेक्ट उत्तर हो गया आपका 120 समझ में आया क्लियर है सारे बच्चों को अब आ जाइए दसवां क्वेश्चन है वेंचर शब्द वेंचर के अक्षरों को अलग-अलग कितने प्रकार से क्रमबद्ध किया जा सकता है कितने अक्षर है गिनिएगा 1 2 तीन चार सात अक्षर हैं तो आप अगर यह कह दें कि सर इसको हम सेवन पी सेवन तरीके से अरेंज कर सकते हैं तो मेरे बच्चों ये गलत हो गया वेंचर वेंचर ध्यान दीजिएगा वेंचर के सभी शब्दों को लेकर अलग अलग कितने शब्द बनाए जा सकते हैं कितने तरीके से इनको व्यवस्थित करके शब्द बनाया जा सकता है कुल तरीकों की संख्या क्या होगी तो अगर कोई बच्चा कहे सेवन पी सेवन तो गलत हो गया सेवन पी सेवन का मतलब फैक्टोरियल सात तरीका हो गया तो अगर इस प्रश्न का उत्तर आप देने जाएंगे कि फैक्टोरियल सात तरीके होंगे जैसा कि पिछले सवालों में आप उत्तर दे रहे थे पांच अक्षर था तो फैक्टोरियल पांच तरीके हम बता दे रहे थे सात अक्षर है तो यहां फैक्टोरियल सात तरीके बता दें तो यहां पर यह बात गलत हो जाएगी क्यों बच्चों गलत हो जाएगी क्योंकि बच्चों यहां पर आपके ये दो अक्षर ई e, और ई दोनों क्या है सेम है हर एक बच्चा ध्यान देगा ई और वहां भी क्या है ई तो ई क्या है सेम है तो अगर सेम अक्षर आ जाता है मेरे बच्चों तो वहां पर उस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या होता है कि दो अक्षर हमारे ध्यान से देखेगा दो अक्षर हमारे क्या है ई कितनी बार आया है दो बार आ गया है ई दो बार आ गया है तो इसको हमें फैक्टोरियल सेवन तो फैक्टोरियल टू से क्या करना पड़ता है भाग करना पड़ता है हमारे जितने भी तरीके हैं फैक्टोरियल सेवन लेकिन ये सही नहीं होगा क्योंकि हमारा कोई अक्षर क्या हो रहा है ये इंपॉर्टेंट सवाल है ध्यान दीजिएगा इंपॉर्टेंट ध्यान है इसमें अक्षर क्या कर रहा है रिपीट कर रहा है अक्षर क्या कर रहा है रिपीट कर रहा है सेम नंबर है सॉरी सेम लेटर है सेम अक्षर है आपका तो मेरे बच्चों इस क्वेश्चन को तो नॉर्मली नहीं सात अक्षर है तो फैक्टोरियल सात तरीके तो हो ही गए अरेंज करने के लेकिन उसको डिवाइड करना पड़ता है ई आपका दो बार आया है तो जितनी बार आया है उतने फैक्टोरियल से डिवाइड करना पड़ता है दो बार आया है तो फैक्टोरियल टू से डिवाइड करेंगे इसका आंसर जो होगा वो होगा फैक्टोरियल सेवन अपॉन फैक्टोरियल टू यह आपका आंसर होगा क्यों ऐसा होता है किसी ने सोचा है क्यों डिवाइड करते हैं किसी को पता है शायद मुझे उम्मीद है नहीं पता होगा तो सुन लीजिए ऐसा क्यों होता है एक एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं यहां पर एग्जाम्पल ले रहा हूं जैसे मैंने लिख दिया बी डबल बी बी एक शब्द है बी क्लियर है इसमें तीन अक्षर दिखाई दे रहे हैं तीन अक्षर दिखाई दे रहे हैं इनको लेकर आपको नए शब्दों का निर्माण करना है तो बताइए कितने शब्द बनेंगे तो ध्यान से देखिएगा ये ई जो है आपके क्या है बच्चों सेम लेटर है मान लिया ये ई वन हो गया और ये क्या हो गया ई टू हो गया तो एक शब्द तो आप बी ई और ई को लेकर बनाएंगे तो एक शब्द तो यही बन जाएगा हर एक बच्चा देखे अगर इसी में मैं लिख दूं B ई टू e, e जो हमारा सेम लेटर है उसको हमने बदल दिया हमने क्या किया इसको अरेंज किया तो ई टू पहले आ गया ई वन बाद में आ गया मेरे बच्चों देखिएगा फिर हम लिखना चाहें तो बना सकते ई वन ई टू बी एक हमारा ये शब्द बन गया मेरे बच्चों फिर ई वन ई टू को हम इंटरचेंज करेंगे स्थान परिवर्तन अरेंज कर रहे हैं ई तो टू E1 B हो गया हर एक बच्चा देखे फिर हम E1 पहले रख लें फिर B रख लें फिर क्या रख लें E2 रख लें फिर E2 रख दें फिर हम क्या रख दें B रख दें और फिर E1 रख दें तो मेरे बच्चों हमको ये बता दीजिए हमने जो ये अरेंजमेंट किया है तो इसका क्या मतलब हुआ हमने B E1 E को B ही तो पढ़ेंगे बी E e. इसको भी क्या बोलेंगे बी ही -E बोलेंगे क्या इन दोनों में कोई अंतर है इन दोनों में कोई अंतर नहीं है हर एक बच्चा देखेगा इन दोनों में कोई अंतर नहीं है अभी भी ये क्या है, b है. हमने ई वन ई टू को पहले रख दिया फिर बी रखा तो मेरे बच्चों ई वन ई टू को अगर हम ई टू ई वन लिख दें तो अभी भी तो ई e -E ही है ये तो ये डबल ई बी डबल ई बी अभी भी तो ये वही हुआ हमारा अरेंजमेंट ई वन ई टू और ई टू ईन हो गया है लेकिन इस तरह से अरेंज करने के बाद भी हमारा वर्ड तो सेम दिखाई दे रहा है शब्द तो हमारा सेम है ध्यान से देखिएगा यहां देखिए ई वन को पहले रखा बी रखा फिर ई टू रख दिया फिर बच्चों मैंने ई टू पहले रख दिया बी भी फिर बीच में रखा फिर ई वन रख दिया तो बताइए अगर हमने इंटरचेंज भी किया ई वन ई टू को तो अभी भी तो ई बी ई बी है ये बताइए क्या फर्क पड़ रहा है ये दोनों क्या है सेम है तो इस तरीके से तरीके कितने आ गए ये आपका शब्द था बी यहां से अरेंजमेंट के तरीके कितने दिखाई दे रहे हैं मैनुअल अरेंजमेंट किया है हमने तो छह दिख रहे हैं कितने दिख रहे हैं तरीके कितने दिख रहे हैं छह तो मेरे बच्चों ये छह तरीका तो है नहीं ये क्या है रियल में तरीके तीन ही है रियल में तरीके कितने हैं देख लीजिए तीन एक दो और ये तीन रियल में तरीके तीन है तो होता क्या है यहां पर जब भी कोई लेटर रिपीट करता है तो जब आप केवल फैक्टोरियल थ्री तरीके से उसका अरेंजमेंट कर लेंगे ध्यान से सुनिएगा तो बच्चों फैक्टोरियल टू गुना मान दिखाई देता है यहां पर फैक्टोरियल टू गुना मान दिखाई देता है और ये एक्स्ट्रा रहता है ये क्या रहता है एक्स्ट्रा रहता है जो एक्स्ट्रा है साफ साफ दिखाई दे रहा है। यहां, है यहां ये एक्स्ट्रा है यहां ये एक्स्ट्रा है यहां ये क्या है एक्स्ट्रा है हर एक बच्चा जिम्मेदारी से देखेगा ये एक्स्ट्रा है ये एक्स्ट्रा है और ये भी क्या है एक्स्ट्रा है तो इसको हमें हटाना होता है इसको हमें क्या करना है हटाना है तो ये कितना गुना हो गया सात दिखाई है, तीन दिखा छह तो दो गुना हुआ कि नहीं तो दो गुना नहीं कहते उसको क्या कहते हैं फैक्टोरियल दो गुना दिखता है जो वास्तविक अरेंजमेंट होते हैं जो वास्तविक तरीके होते हैं उससे ये फैक्टोरियल दो गुना ज्यादा दिख रहा है कितने गुना ज्यादा दिख रहा है फैक्टोरियल दो गुना देखिए वास्तविक अरेंजमेंट हमारा तीन ही है एक दो और ये तीन अगर हम यहां पर बी ई लिखे ईवन ई टू ये हो गया और ए टू ए वन भी लिख दे, तो तरीका तो एक ही हुआ ना परम्यूटेशन तो इसका एक ही हुआ तो क्रमश तो एक ही हुआ बताइए बच्चों इवन ई टू का क्या मतलब है ई टू ईन का क्या मतलब सेम ही तो होता है तो इसलिए अगर कहीं रिपीटेशन है लेटर में अगर लेटर में कहीं रिपीटेशन है तो बच्चों वहां पर जब भी आप डायरेक्ट अपना एनपीआर लगाकर एनपीआर लगाकर अगर उत्तर प्राप्त करते हैं तो वो गलत हो जाता है क्यों गलत हो जाता है क्योंकि जो चीज आपकी रिपीट हुई होती है दो बार तीन बार चार बार जितनी बार वो आई होती है उतने गुना वो चीज बच्चों क्या होती है दिखती है आपको आपके रिजल्ट में उतने गुना वास्तविक मान क्या होता है बच्चों आपका ज्यादा दिखता है समझिए इस बात को वो चीज क्या होती है उतना आपका एक्स्ट्रा हो जाती है समझिएगा तो यहां पर रूट टू गुना दिखाई दे रही है कितने गुना दिखाई दे रही है? है मतलब दिखना चाहिए लेकिन दिखाई दे रही रूट टू गुना, गुना दिखाई दे रही है वास्तविक आंसर का तो इसलिए बच्चों हम क्या करेंगे जो जितना ज्यादा दिख रहा है उससे आप क्या कर दीजिए डिवाइड कि वो ग्रुप आपका क्या हो जाएगा गायब हो जाएगा इसीलिए अगर यहां पर छह दिख रहा है छह दिखा मतलब फैक्टोरियल तीन हो गया सॉरी 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 हर एक बच्चा देखे फैक्टोरियल तीन हो गया आप डिवाइड उसको किससे कर देंगे फैक्टोरियल दो से ये आपका दो बार आया है तो आप किससे डिवाइड कर देंगे फैक्टोरियल दो से ये बात मुझे लगता है आप लोगों सब को सबको अच्छे से समझ में आ गई होगी ये चीजें बचपन में आपको क्लियर नहीं हुई होगी लेकिन आज मैं क्लियर कर रहा हूं भाग क्यों देते हैं क्यों भाग देते हैं सबको समझ में आ गया एग्जाम्पल के माध्यम से मैंने दिखाया तरीके छह दिख गए लेकिन सिग्निफिकेंट नहीं है क्योंकि तो बच्चों ये दोनों सेम है ये दोनों सेम है ये भी दोनों क्या है सेम है है वैसे रियल में तीन लेकिन दिखे हैं छह है। मतलब कितना गुना दिख गए रूट सॉरी कितना गुना फैक्टोरियल टू गुना दिख गए वास्तविक तो उत्तर से कितना गुना दिख गया फैक्टोरियल टू गुना तीन गुना छह तो फैक्टोरियल टू गुना दिख गया इसलिए मेरे बच्चों फैक्टोरियल टू से हम क्या करते हैं डिवाइड करते हैं ये छह हुआ इसका मान दो हुआ तो अब आपका वास्तविक उत्तर आएगा तरीकों की संख्या अब सही सही आएगी आ रहा है समझ में तो ये एक पैटर्न है आगे तक इसको आपको दिमाग में रखना है कोई भूलेगा नहीं कोई लेटर रिपीट है तो जितनी बार रिपीट है उतने फैक्टोरियल से उसको डिवाइड कर दिया जाता है कोई लेटर रिपीट हो रहा है तो जितने फैक्टोरियल से रिपीट है उसी से क्या कर देंगे सॉरी जितने जितने नंबर जितनी बार रिपीट है उतने फैक्टोरियल से क्या कर दीजिए डिवाइड जैसे ई मेरे बच्चों दो बार आया है ई कितनी बार आया है दो बार आया कितनी बार दो बार दो तो इसको हम क्या करेंगे फैक्टोरियल सेवन तरीके तो हो गए बनाने के लेकिन ये रियल आंसर नहीं है रूट टू गुना आंसर दिख रहा होगा फैक्टोरियल सेवन का मतलब ये रूट टू गुना आंसर दिख रहा है वास्तविक उत्तरता था रूट टू गुना दिख रहा है इसलिए सॉरी यस रूट टू गुना दिख रहा है इसलिए रूट टू से क्या कर देंगे डिवाइड आ रहा समझ में एक मिनट सॉरी बच्चों थोड़ा आदत पड़ गई है फैक्टोरियल टू गुना दिख रहा है कितना दिख रहा है फैक्टोरियल गुना। तो आप क्या कर देंगे तो सीधे सीधे बताइए सेवन इन टू हर एक बच्चा देखेगा वैसे आप जानते हैं फैक्टोरियल सेवन की वैल्यू क्या होती है पचास चालीस और इसकी वैल्यू दो होती है डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा पच्चीस सौ बीस आएगा ये आपका आंसर आ गया फैक्टोरियल टू से इसलिए डिवाइड किया है क्योंकि फैक्टोरियल सेवन जो है हमारा सही उत्तर नहीं है यह वास्तविक उत्तर का रूट सॉरी वास्तविक उत्तर का फैक्टोरियल टू गुना है फैक्टोरियल टाइम्स है इसलिए बच्चों डिवाइड करते हैं हमने इस एग्जाम्पल के माध्यम से आपको दिखा दिया है कि कैसे ये आपका रूट टू गुना आपका उत्तर दिखाई देता है फैक्टोरियल थ्री लेना गलत है बी के लिए अगर कोई क्वेश्चन कह दे बी डबल ई से कितने शब्द बनाए जा सकते हैं कितने शब्द बनाए जा सकते हैं तो आप बोल दें कि तीन अक्षर अच्छा अक्षर इसलिए फैक्टोरियल तो तो ये गलत है है यहां पर आपका एक रिपीट अच्छा रिपीट हो रहा समझिएगा तो वो जितनी बार रिपीट, जितनी बार बार आया है उतने फैक्टोरियल से क्या करना पड़ेगा भाग क्योंकि उदाहरण के माध्यम से हमने आपको समझा दिया यहां पर कि रियल में तरीके तो दिख रहे हैं तीन लेकिन बनाने के हिसाब से बन गया अच्छे तो तीन क्या होते हैं वो सेम ही होते हैं उसके इसलिए बच्चों उसको इस तो हटाना होता है तो छह दिखने का मतलब फैक्टोरियल टू टाइम्स ये दिखने लगा है सही उत्तर का इसलिए फैक्टोरियल टू से क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे क्लियर हो गया आगे बात समझ में भाग क्यों देते हैं वो आपको समझ में आ गया होगा तो आंसर आ रहा है यहां पर आपका पच्चीस सौ बीस क्लियर है अब आइए इसके बाद है आपका शब्द रीमेक के अक्षरों को अलग अलग कितने प्रकार से क्रमबद्ध किया जा सकता है मेरे बच्चों बताइए ई कितनी बार आया है दो बार आया है यहां पर कुल आपके अक्षर कितने हैं तीन और तीन तो ध्यान से देखिए सिक्स पी सिक्स तरीके से अर्थात फैक्टोरियल सिक्स तरीके से इसको अरेंज कर सकते हैं लेकिन मेरे बच्चों ये रूट टू गुना क्या होगा सही उत्तर से ज्यादा होगा इसलिए आप रूट टू से क्या कर सॉरी टू नहीं फैक्टोरियल टू गुना ज्यादा होगा इसलिए फैक्टोरियल टू से क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे क्लियर है तो कितना आया ये फैक्टो फैक्टोरियल सिक्स की वैल्यू कितनी होती है पता है मेरे बच्चों सात सौ बीस होती है और ये दो होगा तो कितना आएगा तीन सौ साठ ये आपका आंसर है हर एक बच्चा देखेगा समझ गए ये पैटर्न कोई डाउट तो नहीं क्लियर है सारे बच्चों को अब देखिए आइए इंजीनियरिंग शब्द के अक्षरों से कितने शब्द बनाए जा सकते हैं मेरे बच्चों ई e, कितने टाइम्स आपका आया हुआ है वन टू थ्री थ्री टाइम आया हुआ है और आई सॉरी एन भी है एन कितने टाइम आया है वन टू थ्री थ्री टाइम ये भी आया हुआ है मेरे बच्चों जी कितने टाइम आया हुआ है वन टू टू टाइम्स आया हुआ है आई कितने टाइम्स आया हुआ है टू टाइम्स आया हुआ है हर एक बच्चा देखे ध्यान से तो इसमें आपके कई सारे अक्षर रिपीट हुए हैं कोई दो बार आया है कोई तीन बार आया है तो देखिए कुल मिला के इसमें अक्षर हैं कितने देखिए तीन फिर तीन छ तीन नौ और दो ग्यारह कुल मिला के ग्यारह अक्षर हैं अगर रिपीटेशन नहीं होता तो इनसे शब्द बनाने के तरीके कितने होते हैं फैक्टोरियल ग्यारह कितने तरीके होते हैं फैक्टोरियल ग्यारह फैक्टोरियल का मतलब बच्चों अक्षरों में से आप ग्यारह अक्षरों को ले रहे हैं व्यवस्थित करने के लिए समझिएगा इलेवन पी इलेवन होता है फैक्टोरियल ग्यारह तरीके का मतलब क्या हो गया हम इलेवन पी इलेवन की बात कर रहे हैं ग्यारह अक्षरों से ग्यारह सभी अक्षरों को लेकर शब्द बनाने हैं तो इलेवन पी इलेवन तरीका होता है डायरेक्ट हम शॉर्टकट में उसको क्या कहते हैं कि ग्यारह अक्षर है ग्यारह में सबको लेना है शब्द बनाना है तो तरीके होते हैं फैक्टोरियल ग्यारह डायरेक्ट बोल देंगे फैक्टोरियल ग्यारह और मेरे बच्चों ये आपका गलत है अभी ये कितना वास्तविक उत्तर से कितना है ये फैक्टोरियल थ्री गुना फैक्टोरियल फिर थ्री गुना फिर फैक्टोरियल टू गुना फिर फैक्टोरियल टू गुना है तो जितना ज्यादा है उसी से क्या करिए आप डिवाइड करिए तो किससे डिवाइड होगा फैक्टोरियल थ्री इंटू फैक्टोरियल थ्री इंटू फैक्टोरियल टू और इंटू फैक्टोरियल टू आ रहा है समझ में बच्चों हर एक बच्चा ध्यान से जिम्मेदारी से देखे तो अब इसको तो सॉल्व किया जाएगा तो ये हो जाएगा ग्यारह गुड़े दस गुड़े हर एक बच्चा देखेगा ग्यारह गुड़े दस गुड़े नौ गुड़े आठ गुड़े सात गुड़े छह गुड़े चार गुड़े फैक्टोरियल तीन और बटा में क्या हो गया फैक्टोरियल तीन और गुड़े ये छह हो जाएगा गुड़े दो गुड़े दो फैक्टोरियल तीन से मेरे बच्चों फैक्टोरियल तीन क्या हो गया कैंसिल हो गया अब इसको छह से छह कट गया और दो दुना चार चार से चार कट गया अब जब आप ग्यारह से लेकर सात तक की संख्याओं का गुड़ा करेंगे तो उत्तर आएगा आपका सत्ताईस बहत्तर डबल ये ए वाला आपका आंसर क्या है सही है यहां पर एक ही लेटर नहीं रिपीट हो रहा है यहां पर कई सारे लेटर रिपीट हो रहे हैं इसका मतलब अगर केवल आप उत्तर 11 अक्षर हैं तरीके के लिए फैक्टोरियल 11 आंसर देने लगे तो वो गलत हो जाएगा जितने भी अक्षर रिपीट होते हैं उतने फैक्टोरियल से आपको डिवाइड करना पड़ता है ई आपका तीन बार रिपीट हुआ है तो फैक्टोरियल तीन से भाग करेंगे एन आपका तीन बार रिपीट हुआ है ध्यान से देखिएगा तो फिर फैक्टोरियल तीन से डिवाइड करेंगे जी आपका दो बार रिपीट हुआ है तो फैक्टोरियल दो से डिवाइड करेंगे आई आपका दो बार रिपीट हुआ है तो फिर फैक्टोरियल दो से डिवाइड करेंगे हर एक बच्चा जिम्मेदारी से देखेगा क्यों डिवाइड किया गया है आप सभी लोगों को समझ में आ गया है क्लियर है कोई डाउट तो नहीं एक एक चीज क्लियर करते हुए चलिए परसेंटेज और प्रॉफिट लॉस जैसे सॉल्व करते हैं वैसे ही आपको परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन का भी क्वेश्चन सॉल्व करना है ये हमारी पहली प्राथमिकता है हम आपको ऐसे पढ़ाएंगे कि आप सारे प्रश्नों को बड़ा फ्रीली कर पाएंगे ये नहीं कि अरे आ गया तो इसको तो अटेम्प्ट ही नहीं करना है अटेम्प्ट करना है एग्जाम में और उसको तो सही करके आना है तो ये क्लियर हो गया क्यों डिवाइड करते हैं मैंने आपको समझा दिया ये नहीं कहा कि रट लो इसको समझाया है क्यों भाग दिया जाता है क्योंकि बच्चों अगर फैक्टोरियल ग्यारह इसका उत्तर देंगे ग्यारह को लेकर आपको शब्द बनाने हैं तो ग्यारा पी ग्यारा आपका रिजल्ट होता है मतलब ग्यारह पी ग्यारह का मतलब फैक्टोरियल ग्यारह होता है तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि तो इसमें क्या हुए हैं आपके लेटर्स रिपीट हुए हैं तो जितने जो जो रिपीट हुए हैं उतने फैक्टोरियल गुना वो आंसर ज्यादा दिखेगा तो आप उसको हटाने के लिए रिजल्ट को बैलेंस करने के लिए सही रिजल्ट तक पहुंचने के लिए जो ज्यादा हो गया उसी से क्या कर दीजिए डिवाइड कर दीजिए क्लियर है आगे देखिए अब है आपका तेरह नंबर का क्वेश्चन अलाहाबाद के अक्षरों से कितने भिन्न भिन्न भिन शब्द बनाए जा सकते हैं कुल मिला के अक्षर है कितने एक दो तीन चार पांच छह सात आठ और नौ ध्यान से देखिए तो फैक्टोरियल नौ तरीके से इसको अरेंज कर सकते हैं लेकिन 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 कुछ लेटर आपके क्या हुए हैं रिपीट हुए हैं तो कौन रिपीट हुआ है आपका ए रिपीट हुआ है ए कितनी बार आ गया है चार बार आ गया है और मेरे बच्चों एल कितनी बार आ गया है दो बार आ गया है हर एक बच्चा देखेगा और कुछ दोबारा आया है नहीं तो इसको फैक्टोरियल लाइन को आप डिवाइड किससे करेंगे फैक्टोरियल फोर और फैक्टोरियल टू से डिवाइड करेंगे क्लियर है सारे बच्चों को तो फैक्टोरियल लाइन सॉल्व करिए इस तो लिखेंगे नौ गुड़े आठ गुड़े सात गुड़े छह गुड़े पांच गुड़े सीधे अब चार गुड़े तीन गुड़े दो गुड़े एक मत लिखिए लिख बटा में क्या आ जाएगा फैक्टोरियल चार गुड़े फैक्टोरियल दो फैक्टोरियल चार से फैक्टोरियल चार कैंसिल हो गया दो का फैक्टोरियल दो का मान दो होता है मेरे बच्चों कटा देंगे टू थ्री सा सिक्स हो गया सबको गुड़ा कर देंगे तो यह आ जाएगा यह आएगा पचहत्तर सौ साठ ये आपका आंसर है पचहत्तर सौ साठ ये आपका आंसर है हर एक बच्चा जिम्मेदारी से देखे आइए तेरह के बाद आ जाइए चौदह नंबर के क्वेश्चन पे अब ये भी एक नया सिस्टम शुरू हो गया आपके सामने समझिएगा इंपॉर्टेंट बात है ये भी शब्द है इक्वेशन ई क्यू यू ए टी आई ओ एन इक्वेशन शब्द है इक्वेशन इक्वेशन के अक्षरों से कितने शब्द बनाए जा सकते हैं जबकि स्वर स्वर यानी कि वोवेल ए ओ -E यू स्वर एक साथ आए स्वर एक साथ आए का सिस्टम समझिए कुछ लेटर्स को एक साथ लेना है तो क्या होता है देखिए स्वर कौन कौन से हैं इसमें मार्क कर लेते हैं यू ए आई ओ ये सब क्या है बच्चों और ई e भी स्टार्टिंग का दिखाई दे रहा है ये सब क्या है आपके स्वर है इनको एक साथ लेना है तो बचता कौन है क्यू बचा टी बचा और एन बचा ध्यान से देखिए और ई यू ए आई ओ मेरे बच्चों ये एक साथ आएंगे एक साथ आएंगे तो जिन भी अक्षरों को एक साथ आना होता है उनको एक अक्षर मान लेते हैं ऐसा समझ में इनको एक अक्षर मान लेंगे ध्यान से देखिए आया समझ में इनको क्या मानेंगे एक अक्षर मान लेंगे तो मेरे बच्चों एक अक्षर मान लिए तो ये हो गया पहला अक्षर ये हो गया दूसरा अक्षर ये हो गया तीसरा अक्षर और ये हो गया मेरे बच्चों चौथा अक्षर सही है ये हो गया आपका फोर्थ लेटर कोई डाउट ये पहला अक्षर हो गया ये दूसरा अक्षर ये तीसरा अक्षर और ये चौथा अक्षर मतलब जो इक्वेशन था उसके स्वरों को एक साथ लेना है स्वर है इसमें पांच ध्यान से देखिएगा स्वर है इसमें पांच ई e यू ए आई ओ पांचों स्वर है यहां पर पांच स्वर है ध्यान से देखिएगा तो मेरे बच्चों जब कहीं भी किसी चीज को कहे कि एक साथ लेना है तो उसको एक साथ तुरंत रख दीजिए बिना टेंशन के रख दीजिए और इनको एक अक्षर कंसीडर कर लीजिए क्या कर लीजिए एक अक्षर कंसीडर कर लीजिए अब यहां कुल कितने अक्षर हो गए कुल अक्षर हो गए कितने आपके चार अक्षर हो गए देखिए एक दो तीन और ये चौथा अक्षर है कौन सा अक्षर हो गया चौथा अक्षर देखिएगा ध्यान से ये हो गया चौथा अक्षर चौथा अक्षर पहला अक्षर दूसरा अक्षर तीसरा अक्षर चौथा अक्षर अगर चार अक्षर आपको दिए गए हैं तो चारों में चारों को लेना है तो अरेंज करने का तरीका क्या होता है फोर पी फोर फोर पी फोर का मतलब फैक्टोरियल चार फैक्टोरियल चार तरीके से इसको अरेंज कर सकते हैं ध्यान से देखिएगा कितने तरीके से फैक्टोरियल चार तरीके से अरेंज कर सकते हैं लेकिन मेरे बच्चों यह आंसर नहीं है यहां पर ये यह जो पांच स्वर हैं हमारे आप इनको भी तो अरेंज कर सकते हैं इधर उधर बताइएगा ये जो हमारे पांच स्वर हैं बाद में इनको भी तो अरेंज कर सकते हैं बोलिएगा ई को पहले कर दिया फिर को बाद में कर दिया ई को कहीं बीच में कर दिया फिर आई को पहले कर दिया इस तरह से यह भी तो अरेज हो सकते हैं पांच अक्षर वाला ए ई आई ओ यू ये पांच अक्षर जो स्वर के दिखाई दे रहे हैं इसको भी अरेंज किया जा सकता है तो दो पार्ट में ये होगा ध्यान से देखिएगा और आपके दोनों पार्ट एक दूसरे पे क्या रहेंगे डिपेंड क्या होंगे डिपेंड मेरे बच्चों केवल इतना करके आप अरेंजमेंट नहीं कर सकते आपको और अरेंजमेंट करना पड़ेगा इसके लिए भी आपको अरेंज करना पड़ेगा तो इसके अरेंजमेंट का सिस्टम क्या होगा पांच मतलब होता है फैक्टोरियल फाइव तो ये आपके फैक्टोरियल पांच तरीके से अरेंज हो सकते हैं तो बच्चों यहां लिख दिया फैक्टोरियल पांच लेकिन हमको अरेंजमेंट का कुल नंबर पूछा है कितने शब्द बनाए जा सकते हैं कुल नंबर पूछा है तो पूरा काम अभी कंप्लीट नहीं हुआ है अलग अलग किया है आपने तो बच्चों कि नहीं है आपको यह काम करना है तो पूरा काम आपका जो है वो डिपेंड है इन दोनों पर डिपेंड है ध्यान से देखिएगा पूरा काम डिपेंड है और जहां डिपेंडेंसी होती है वहां क्या लगाते हैं मल्टीप्लीकेशन रूल क्या लगाएंगे मल्टीप्लीकेशन गुणा क्यों हुआ है उसको आपको समझना है आप केवल देखिएगा यह ना कहिए कि तीन अक्षर हैं यह ना कहिएगा कि तीनों को ही अरेंज करना है ये तो साथ में है साथ में है तो इनको एक अक्षर मान लिया जाता है अब कुल अक्षर कितने हो गए एक दो तीन और ये चार हो गए तो इन चार अक्षरों को अरेंज करेंगे तो चार अक्षर अरेंज करने का तरीका फैक्टोरियल चार होता है फोर पी फोर मतलब फैक्टोरियल चार चार में चारों को लेकर अरेंज करना है तो ध्यान से देखिए फैक्टोरियल चार तरीका हो गया लेकिन ये जो आपका चौथा अक्षर है बच्चों अब इसमें इसमें जाइए कुल कितने अक्षर अक्षर हैं हैं पांच ये भी तो तो अरेंज अरेंज होंगे होंगे साथ में जरूर रहेंगे लेकिन अरेंज तो होंगे, ओ पहले आ सकता है ए पहले आ सकता है आई पहले आ सकता है है कि नहीं ऐसा होगा कि नहीं बताइए आप लोग निश्चित रूप से ऐसा होगा मेरे बच्चों तो इसलिए इनका भी अरेंजमेंट होगा पांच अक्षर है और ये फैक्टोरियल फाइव तरीके से अरेंज हो सकते हैं कितने तरीकों से फैक्टोरियल फाइव तरीकों से अरेंज हो सकते हैं तो यहां पर हम प्लस नहीं कर सकते कुल तरीके फैक्टोरियल फोर प्लस फैक्टोरियल फाइव नहीं हो सकता जोड़ा नहीं जा सकता आपका पूरा काम अरेंजमेंट का कब कंप्लीट होगा जब ये दोनों काम होंगे तो अरेंजमेंट का पूरा काम डिपेंड है बच्चों इस पर डिपेंडेंसी है इसलिए क्या करेंगे गुड़ा तो कुल तरीकों की संख्या क्या हो गई फैक्टोरियल चार का मतलब क्या होता है चौबीस होता है और फैक्टोरियल पांच का मतलब होता है एक मेरे बच्चों गुड़ा कर देंगे तो कितना आएगा अट्ठाईस अस्सी ये आपका बी वाला आंसर आ गया हमारी बात समझे देखिए जो पहले लेक्चर में हमने आपको बताया था मल्टीप्लीकेशन रूल प्रिंसिपल काउंटिंग में वही यहां अप्लाई हुआ है कहीं जोड़ा भी जा सकता है वैसे भी सवाल आएंगे यहां गुड़ा हुआ है ये दोनों तरीके क्या हुए हैं मल्टीप्लाई फिर से सुन लीजिएगा दोबारा से दिमाग में बैठा लीजिए अगर कह दे कि इन इन अक्षरों को साथ में लेना है तो जिनको साथ में लेना है उनको एक अक्षर मान लेंगे उनको एक ही मान लेंगे एक अक्षर मान लेंगे तो इधर तीन अक्षर और ये पूरा मिलाकर क्या हो गया चौथा अक्षर चार अक्षर हो गए चार अक्षरों को लेकर आपको अरेंज करना है ये चार अक्षर हो गए ये साथ में है यानी कि ये सिंगल हो गया चार अक्षरों को लेकर अरेंज करना है तो अरेंजमेंट का जो तरीका होगा वो फैक्टोरियल फोर होगा डायरेक्ट शॉर्टकट है फैक्टोरियल फोर कैसे आता है फोर P4 से आया है वो मैं फिर से रिपीट कर करना आने वाले टाइम में हम डायरेक्ट ही बोलेंगे बार बार फोर पी फोर नहीं बोलेंगे तरीके कितने हो गए फैक्टोरियल फोर और ये आपके ये भी पांच अक्षर है पांच लेटर है ये भी तो अरेंज होंगे बताइए ये भी तो इधर उधर हो सकते हैं तो इनको अरेंज करने के तरीके कितने होंगे इन पांचों अक्षरों को फैक्टोरियल फाइव तरीके होंगे अब इनको करना पड़ेगा गुड़ा मल्टीप्लीकेशन रूल लगाना पड़ेगा क्यों लगाना पड़ेगा क्योंकि जब तक ये दोनों काम नहीं होंगे हमारा अरेंजमेंट वाला काम कंप्लीट नहीं होगा डायरेक्ट अरेंजमेंट केवल ये या ये नहीं हो सकता ये भी होगा और यह भी होगा तब हमारा फाइनल अरेंजमेंट डन होगा बच्चों तो फाइनल अरेंजमेंट डन करने के लिए आपको यहां पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किसी के मन में कोई डाउट नहीं आना चाहिए ये सब छोटे सवाल सीख लेंगे एक बार बेसिक क्लियर हो गया कि गुड़ा क्यों होता है जोड़ते क्यों है। फैक्टोरियल फोर ही तरीके क्यों है इधर फैक्टोरियल फाइव कहां से आ गया इसको एक क्यों लिया गया है इन चीजों को अगर सीख लिया आपने तो कहीं आपको आने वाले समय में कोई परेशानी नहीं होने वाली है और वीडियो स्किप मत करिए लगातार देखा करिए एक भी पॉइंट स्किप करने लायक नहीं है चलिए चौदह के बाद हम आएंगे पंद्रह नंबर के क्वेश्चन में शब्द डायरेक्टर के अक्षरों को इस तरह से व्यवस्थित किया गया है कि सभी स्वर एक साथ आ गए हैं इस तरह की व्यवस्था के बनाने के तरीकों की संख्या ज्ञात करनी है तो ध्यान से देखिएगा यहां पर लिख देते हैं डी आई आर ई सी टी ओ आर स्वर कौन कौन से है वॉवल आई है ई है O है मेरे बच्चों ध्यान दीजिए तो जो कॉन्सोनेंट बचते हैं व्यंजन बचते हैं उनका क्या करना है लिख देते हैं पर D है, R है, C है, T है और मेरे बच्चों फिर से से है ध्यान देखिए और यहां क्या आएगा आपका आई है और ई e है और ओ है देखिए हर एक बच्चा जिम्मेदारी से देखेगा ये पहला अक्षर दूसरा अक्षर तीसरा अक्षर चौथा अक्षर पांचवा अक्षर और ये क्या हो गया छठा अक्षर इसको एक मान लेंगे पर को एक साथ लेना है तो ये क्या होगा इसको क्या मान लेंगे हम एक अक्षर मान लेंगे पहले भी आ सकता है कोई प्रॉब्लम नहीं शुरुआत में भी आ सकता है बाद में भी आ सकता है बीच में भी आ सकता है कहीं भी आ सकता है लेकिन जहां आएगा वो एक साथ आएगा जहां आएगा वो क्या आएगा एक साथ आएगा हर एक बच्चा समझे इसको तो मेरे बच्चों डी आर सी टी आर कितने अक्षर हैं तीन दो पांच और ये हो गया आपका छह कुल कितने अक्षर हो गए छह अक्षर ध्यान से देखिएगा ये पांच हो गए और ये तीनों मिलकर एक अक्षर यानी कि छह अक्षर तो इसको अरेंज करने का तरीका क्या हुआ ध्यान दीजिएगा फैक्टोरियल सिक्स सॉरी अगर फैक्टोरियल सिक्स बोल दे तो गलती हो गई फैक्टोरियल right सिक्स अगर बोल देते हैं तो क्या हो गई गलती हो गई इनको अरेंज करने का तरीका फैक्टोरियल सिक्स नहीं है फैक्टोरियल सिक्स बाई आर कितनी बार आया है ध्यान से देखिएगा आर दो बार आया है तो फैक्टोरियल टू आया समझ में इन छो अक्षरों को अभी ये छह अक्षर दिख रहे हैं इन छह अक्षरों को अरेंज करने का तरीका हमारा क्या है फैक्टोरियल फैक्टोरियल टू है क्योंकि तो इसमें क्या आया है दो बार आया है इसलिए फैक्टोरियल टू से इसको क्या कर देंगे डिवाइड अब देखिएगा मेरे बच्चों ये तीन जो स्वर हैं इनको भी तो अरेंज करना पड़ेगा इन तीन स्वरों को भी अरेंज करेंगे तो ये किस तरह से अरेंज होंगे फैक्टोरियल तरीके से अरेंज होंगे कैसे होंगे फैक्टोरियल थ्री तरीके से अरेंज होंगे से हर एक बच्चा जिम्मेदारी से देखेगा तो ये क्या हो जाएगा आपका छे गुड़े, पांच गुड़े फिर उसके बाद अच्छा डायरेक्ट वैल्यू लिख दें, तो हमारे लिए ज्यादा अच्छा है फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है याद है आप लोगों को सात सौ बीस और फैक्टोरियल तीन की वैल्यू हो गई छे और मेरे बच्चों ये हो गया दो टू थ्री सिक्स और ये आंसर आएगा इक्कीस सौ साठ यह आंसर आ गया वाला आंसर क्या है सही है सीख लिया आपने देखिए अब सवाल और जुड़ जुड़ के बड़े होते जा रहे हैं तो एक एक चीज अच्छे तरीके से सीखिए क्लियर है कैसी क्लास लग रही है जरूर बताइए कैसी क्लास लग रही है जरूर बताइए ठीक है हर एक बच्चा देखेगा कोई डाउट अब इसके बाद आइए पंद्रह के बाद सोलह नंबर के क्वेश्चन पे शब्द लखनऊ ध्यान से देखिएगा कि अक्षरों से कितने शब्द का निर्माण किया जा सकता है जैसे कि सभी शब्द सी से शुरू हो और यू पर समाप्त हो ये देखिएगा सी से शुरू होने चाहिए और यू पर समाप्त होने चाहिए तो एल यू सी के एन ओ डब्ल्यू ये आपका शब्द है लखनऊ तो आप जिन शब्दों का निर्माण करेंगे उनके शुरुआत में क्या आना चाहिए बताइए आना चाहिए और बच्चे लास्ट में क्या आना चाहिए यू आना चाहिए बीच में बचता कौन है ध्यान से देखिए एल बचता है के बचता है एन बचता है ओ बचता है और डब्ल्यू बचता है ध्यान से देखिए जिन भी अक्षरों का स्थान अगर फिक्स कर दिया जाता है जिन अक्षरों का स्थान फिक्स कर दिया जाता है बच्चों उनका अरेंजमेंट नहीं होता इसको सब नोट बनाते हुए चलिएगा जिन भी अक्षरों का स्थान फिक्स कर दिया जाता है उनका अरेंजमेंट नहीं हो सकता अब सी का तो अरेंजमेंट नहीं हो सकता ना बताइए सी तो यहीं रहेगा बताइए जिन भी अक्षरों को फिक्स कर दिया जाता है उनका अरेंजमेंट नहीं होता इसको अब सी को उठा के यहां तो कर नहीं सकते बोल दिया ना कि सी पहले स्थान पे है यू बोल दिया ना कि क्या है आपका आखिरी स्थान पे है अंतिम में है तो बच्चों सी और यू का अरेंजमेंट नहीं किया जा सकता तो इसको लिखिएगा कहीं अच्छे से जिन भी अक्षरों का स्थान फिक्स कर दिया जाए उनका अरेंजमेंट नहीं होता बाकी अक्षरों का अरेंजमेंट करते हैं आप अरेंजमेंट किसका करेंगे बाकी अक्षरों का इसका अरेंजमेंट नहीं होगा इसका अरेंजमेंट नहीं होगा कुल कितने अक्षर हो गए कितने अक्षर पांच अक्षर मेरे बच्चों इनको कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं फैक्टोरियल पांच तरीके से कितने तरीके से फैक्टोरियल पांच यानी कि एक तरीके जिन अक्षरों का स्थान फिक्स हो उनका अरेंजमेंट अरेंजमेंट नहीं होता शेष अक्षरों का अरेंजमेंट होता है ध्यान दीजिएगा उनका अरेंजमेंट नहीं होता कोई डाउट क्लियर सारे बच्चों को तो सीधे आएगा एक सौ बीस तरीके और यू का काम खत्म सीधे एल के एन W पांच अक्षर हैं फैक्टोरियल पांच तरीके से इसको अरेंज कर सकते हैं फैक्टोरियल पांच मतलब फाइव पी फाइव तरीके से अरेंज हो सकता है तो ये आपका आंसर है हर एक बच्चा जिम्मेदारी से देखेगा क्लियर है आगे देखिए अगला क्वेश्चन है सेवनटीन दिल्ली शब्द के अक्षरों से तीन तीन शब्द लेकर कितने भिन्न भिन्न शब्द बनाए जा सकते हैं कुल कितने हैं मेरे बच्चों पांच है शब्द आपके तो फाइव पी थ्री सीधे सीधे बोलेंगे पांच में से तीन को लेकर अरेंज करना है एन वस्तुओं में से आर वस्तुओं को लेकर अरेंज करना है तो एन पी आर तरीके होंगे तो ध्यान से देखिए फैक्टोरियल फाइव अपॉन में फैक्टोरियल फाइव माइनस क्या थ्री तो आएगा फैक्टोरियल फाइव की वैल्यू कितनी लिख देते हैं फैक्टोरियल फाइव अपॉन फैक्टोरियल टू मेरे बच्चों इसकी वैल्यू एक सौ बीस और इसकी वैल्यू दो कितना साठ तरीके होंगे पांच में पांचों को नहीं लेना पांच में पांचों को लेना होता तो तरीके होते हैं हमारे फाइव पी फाइव पांच में तीन को लेकर अरेंज करना है तो तरीके होंगे फाइव पी थ्री जिसकी वैल्यू कितनी आ रही है साठ आ रही है हर एक बच्चा समझेगा जिम्मेदारी के साथ देखिए क्लास छोड़िएगा नहीं स्किप करेंगे तो चीजें नहीं समझ पाएंगे आधा अधूरा समझेंगे तो डाउट रहेगा तो स्टिप करना एक सेकेंड भी नहीं है जितना मैं जितना पढ़ा रहा हूं उतना अच्छे से समझना है आपको तब चीजें क्लियर हो पाएंगी अब देखिए एटीन दिल्ली शब्द के अक्षरों से कितने भिन्न भिन्न शब्द बनाए जा सकते हैं डेल्ही में टोटल आपके शब्द कितने हैं पांच शब्द कितने हैं पांच और पांचों को लेना है क्या बोला है शब्द के अक्षरों से यानी कि सभी को लेना है यह तो नहीं बोला है कि दो को लेकर बनाइए या तीन को लेकर बनाइए शब्द के अक्षरों से कितने भिन्न भिन्न शब्द बनाए जा सकते हैं तो पांचों को लेना है तो मेरे बच्चों कितने तरीके होंगे भिन्न भिन्न शब्द बनाने के फाइव पी फाइव मतलब फैक्टोरियल पांच तरीके होंगे कितने तरीके होंगे फैक्टोरियल पांच तरीके तो फैक्टोरियल पांच यानी कि एक सौ बीस तरीके आंसर है आपका 19 नंबर के क्वेश्चन में आई हर एक बच्चा देखेगा डेली शब्द से कितने शब्दों का निर्माण किया जा सकता है जबकि सभी शब्द डी से शुरू होते हैं लीजिए फिक्स कर दिया डी को अब डी को फिक्स कर दिया तो डी का अरेंजमेंट नहीं हो सकता बाकी बच्चे अक्षरों का अरेंजमेंट करेंगे ध्यान से देखिएगा तो डी आपका फिक्स हो गया बॉक्स में हमने भर दिया यहां पर ई e है एल है एच है आई है इन्हीं का क्या होगा अरेंजमेंट होगा इसका अरेंजमेंट नहीं होगा तो चार अक्षरों का अरेंजमेंट यहां होना है तो चार अक्षरों का अरेंजमेंट होगा तो बच्चे तरीके कितने होंगे फोर पी फोर यानी कि फैक्टोरियल फोर तरीके होंगे कितने फैक्टोरियल फोर तरीके क्या रहा है चौबीस चौबीस तरीके जो चीज फिक्स हो गई उसका अरेंजमेंट नहीं हो सकता बाकी बचे अक्षरों का अरेंजमेंट होता है तो यहां चार अक्षर बचे हैं तो चार में चारों को लेकर अरेंज करना है चार में चारों को लेकर अरेंज करना यह याद रखिएगा चार में चारों को लेकर अरेंज करना है तो फोर पी फोर तरीके होंगे फोर पी फोर का मतलब फैक्टोरियल फोर यानी कि चौबीस तरीके होंगे क्लियर हो रहा है आ रही है बात समझ में बीस नंबर के क्वेश्चन में आइए डेली शब्द से कितने शब्दों का निर्माण किया जा सकता है जबकि कोई भी शब्द डी से शुरू नहीं होते हैं लीजिए कोई भी शब्द डी से शुरू नहीं होते हैं नहीं वाली अगर बात आ जाए तो समझिएगा क्या करना है सभी शब्दों को लेकर जितने शब्द बनाए जा सकते हैं उनकी संख्या ज्ञात करिए और उसमें से डी से शुरू होने वाले सभी शब्दों की संख्या क्या कर दीजिए घटा दीजिए तो इसमें घटाना पड़ता है नहीं बनाए जा सकते हैं वाले में क्या करना पड़ेगा घटाना पड़ेगा सभी अक्षरों को लेकर जितने शब्द बने उनमें से डी से प्रारंभ होने वाले सभी शब्दों की संख्या को घटा दीजिए तो डी दी से नहीं प्रारंभ होने वाले शब्दों की संख्या आ जाएगी तो मैं यहां डिटेल में लिख देता हूं डी से प्रारंभ प्रारंभ नहीं होने वाले शब्दों की संख्या मेरे बच्चों बहुत विशेष ध्यान दीजिएगा की संख्या क्या होगा मेरे बच्चों सभी शब्दों सभी अक्षरों से बने शब्दों की संख्या सभी अक्षरों से बने शब्दों इसको तो समझिएगा शब्दों की संख्या और माइनस डी से प्रारंभ होने वाले शब्दों की संख्या मेरे बच्चों सुनिए सभी अक्षरों से बने शब्दों की संख्या कितनी होगी फैक्टोरियल फाइव होगी पांच शब्द हैं पांचों को लेके आपको सॉरी पांच अक्षर हैं कितने अक्षर हैं पांच अक्षर हैं पांचों पांच अक्षरों को लेकर आपको बनाना है शब्द तो क्या होगा फैक्टोरियल फाइव तरीके होंगे बनाने के फैक्टोरियल फाइव और डी से प्रारंभ होने वाले शब्दों की संख्या तो इसमें बच्चों डी आपका फिक्स हो गया है तो शब्द कितने बचे सॉरी अक्षर कितने बचे यहां पर चार अक्षर केवल कितने बच रहे हैं चार तो आप क्या करेंगे अरेंज करने का तरीका होगा फोर पी फोर यानी कि चार अक्षरों को अरेंज करने का तरीका होगा फैक्टोरियल फोर तो इसमें से फैक्टोरियल फोर क्या कर देंगे माइनस आपके फैक्टोरियल फाइव कार्थ होता है एक सौ बीस और फैक्टोरियल चार कार्थ होता है चौबीस घटाएंगे कितना आएगा नाइनटी सिक्स ये आपका आंसर है, आप है? सबको क्लियर हो रहा है किसी को अभी तक कहीं प्रॉब्लम हुई हो तो बताएं किसी को कहीं प्रॉब्लम हो रही है अब किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो मुझे बताए एक एक चीज बड़ी बारीकी से बता रहा हूं और सुनिए एक बार में चीजें नहीं क्लियर होंगी एकदम नया है बार बार वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा गारंटी देता हूं दो बार देखने के बाद एक एक चीज आपको क्लियर हो जाएगी तो देखिए दिल्ली में कुल पांच अक्षर हैं बोला गया है कि ऐसे शब्दों की संख्या आपको बतानी है जिनका प्रारंभ डी से ना हुआ हो ना हुआ हो तो इसको निकालने के लिए नहीं वाली चीज आ जाती है तो घटाना पड़ता है तो आप सभी अक्षरों को लेकर बनाए गए शब्दों की संख्या निकालिए जो कि फैक्टोरियल फाइव होगी फिर इसमें से क्या घटाना है डी से ध्यान से सुनिएगा इसमें से, से प्रारंभ होने वाले शब्दों की संख्या को घटा देना है तो डी एक फिक्स हो गया फिगर तो शब्द सॉरी अक्षर बचेंगे आपके चार तो उनको अरेंज करने का तरीका होगा फैक्टोरियल चार तो सीधे सीधे क्या करेंगे फैक्टोरियल पांच में से फैक्टोरियल चार को माइनस कर देंगे या आपका रिजल्ट कितना आ जाएगा बताइएगा 96 कोई डाउट हो तो आप मुझे बताइए बीसवा क्वेश्चन क्लियर हो गया अब इसके बाद आइए इक्कीस नंबर के क्वेश्चन पे आइए डेली शब्द के अक्षरों से कितने शब्द बनाए जा सकते हैं जबकि सभी शब्द डी से शुरू हो तथा आई पर अंत हो लीजिए यह भी सेट हो गया डी से शुरू हो रहा है आई से हो रहा है भरिए बॉक्स में इनका रोल खत्म हो गया जो फिक्स हो गए उनका अरेंजमेंट नहीं हो सकता हां अगर यह बोलता कि डी आई इधर उधर आ सकते हैं तो इन दो का भी अरेंजमेंट होता इन दो का भी अरेंजमेंट होता फैक्टोरियल टू तरीके से तो उसका बाद में गुड़ा करना पड़ता आई बात समझ में अगर स्थान आपका फिक्स ना करे कह दे इधर उधर खिसक सकता है डी आई पे और आई डी पे आ सकता है तो इसको आपको अरेंज करने के कितने तरीके होते हैं फैक्टोरियल दो, दो ही अक्षर है तो फैक्टोरियल दो तरीके होंगे तो बाद में उससे गुड़ा भी करना पड़ता है वैसे देखिए यहां पर अब अक्षर कितने बचे आपके ई e बचा एल बचा और क्या बचा एच बचा तो मेरे बच्चों इसको कितने तरीके से अरेंज किया जा सकता है ये काम खत्म इसका काम खत्म यह फिक्स है फिक्स है ये कहीं जा नहीं सकता इधर उधर तो अरेंज करने के तरीके इन्हीं से पता चलेंगे अक्षर तीन है तो अरेंज करने के तरीके तीनों को लेकर करना है तो थ्री पी थ्री थ्री पी थ्री का मतलब क्या होगा फैक्टोरियल तीन तरीके से अरेंज हो सकते हैं तो यह आएगा छह तरीके लीजिए आगे आंसर इक्कीस के बाद आइए बाईस नंबर के क्वेश्चन पे डेली शब्द के अक्षरों से कितने शब्द बनाए जा सकते हैं जिसमें एल सदैव मध्य में लीजिए एल फिक्स हो गया यहां डी ये ई एल आपका फिक्स हो गया भर दीजिए बच्चे बॉक्स में इसका अरेंजमेंट नहीं हो सकता अब ध्यान से देखिएगा ये एच हो गया और ये आई हो गया इसका अरेंजमेंट नहीं होगा इनका होगा और इनका होगा चार ही अक्षर बचे हैं स्थान फिक्स हो गया मध्य वाला कहीं भी अगर कोई फिक्स हो गया तो उनका अरेंजमेंट नहीं किया जा सकता तो उनको हटा के ही अक्षर उठाने होते हैं आपके अक्षर कितने हैं चार इन चार को अरेंज करना है तो चार को अरेंज करने का तरीका क्या होगा फैक्टोरियल चार तरीका यानी कि क्या हो गया बच्चों बताइएगा चार फैक्टोरियल चार का तो मान हमको याद है सीधे सीधे कितना बच्चों चौबीस चौबीस तरीके मान आप भी याद कर लीजिए फायदा रहेगा है। अब आइए अगला क्वेश्चन बाईस के बाद तेईस देखते हैं दिल्ली शब्द के अक्षरों से कितने शब्द बनाए जा सकते हैं जिसमें एल तथा एच साथ हो अब कहानी नहीं आ गई, ध्यान से देखिए। हो वाला तो आप सीख चुके हैं साथ हो मतलब बच्चों उनको क्या मान ले? लेंगे एक मान लेंगे सिखाया मैंने नई कहानी नहीं पुरानी है देखिए डी है फिर उसके बाद मेरे बच्चों ई है फिर आई है फिर ये एल और को क्या करना है साथ में ले लेना है पहला अक्षर दूसरा अक्षर तीसरा अक्षर और ये चौथा अक्षर हो गया सिखाए हम आपको चार अक्षर हो गए तो इन चार अक्षरों को अरेंज करने का तरीका क्या होगा फैक्टोरियल चार फैक्टोरियल चार मतलब फोर पी फोर तरीका बता रहा हूं उसी को डायरेक्ट शॉर्टकट में फैक्टोरियल फार, फैक्टोरियल चार बोलते हैं और सुनिए मेरे बच्चों ये जो दो अक्षर हैं ये भी तो अरेंज होंगे तो इनको अरेंज करने का तरीका क्या होगा फैक्टोरियल फैक्टोरियल दो फैक्टोरियल दो तरीका इनका गुणा होगा मैंने बताया क्यों गुणा होता है बता दिया है क्योंकि जब तक ये दोनों काम नहीं होंगे अरेंजमेंट पूरा नहीं होगा अरेंजमेंट पूरा होना डिपेंड करता है इन पर डिपेंडेंसी है इसलिए यहां गुणा करते हैं फैक्टोरियल चार की वैल्यू पता है चौबीस और ये दो कितना अड़तालीस तरीके हर एक बच्चा देखेगा जिम्मेदारी से आ गई बात समझ में चलिए आइए 24 नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं 24 फोर डेल्ही शब्द के अक्षरों से ऐसे कितने शब्द बनाए जा सकते हैं जिसमें सभी स्वर एक साथ हो हर एक बच्चा देखे ऐसा पीछे पीछे भी क्वेश्चन किया है आपने तो डी है मेरे बच्चों एल है एच है और फिर ई e आई को क्या करना है एक साथ रखना है एक साथ रखना है तो बच्चों ये पहला अक्षर ये दूसरा अक्षर ये तीसरा अक्षर और ये चौथा अक्षर होगा सही है ध्यान से देखिए अरेंजमेंट कैसे होगा चार अक्षर है इसमें फैक्टोरियल चार तरीके से लेकिन बच्चों इन दो अक्षरों को भी फैक्टोरियल दो तरीके से अरेंज कर सकते हैं और जब तक ये दोनों काम कंप्लीट ना हो अरेंजमेंट पूरा नहीं होगा इसलिए क्या कर देते हैं गुड़ा कर देते हैं सही है तो ये कितना आएगा ये भी आएगा 48 ये आपका आंसर है सही है कोई डाउट हो तो हमको बता दीजिए सभी बच्चे बताइएगा बच्चे आ रहे हैं जा रहे हैं बारी बारी लेकिन लाइव रहिए लगातार अगर आपने कुछ भी एक सेकंड का भी वीडियो स्किप किया तो परमोटेशन टॉम्बिनेशन समझने में प्रॉब्लम आएगी फिर आप हमें मत कहिएगा सर कि कम समझ में आया हमारा जो पहला लेक्चर है उसको अच्छे से आज रात में देखिए दोबारा और फिर ये दूसरा लेक्चर देखिए मजबूती से हर एक चीज समझ में आ जाएगी चलिए ट्वेंटी नंबर का क्वेश्चन है पच्चीस डेली शब्द के अक्षरों से ऐसे कितने शब्द बनाए जा सकते हैं जिसमें सभी व्यंजन एक साथ हो बच्चों क्या होगा एक साथ हो जाएगा व्यंजन है ये और फिर ई और आई हो गया तो बच्चों बताइए यह एक अक्षर हुआ पहला अक्षर लास्ट में भी ले सकते हैं कहीं भी आ सकता है ये दूसरा फैक्टोरियल तीन तरीके से ये फैक्टोरियल तीन कहां से आया वही थ्री पी थ्री है तीन में से तीन को लेकर अरेंज करना है तो बच्चों फैक्टोरियल तीन तरीके से और सुनिए और ये, ये जो तीन अक्षर अच्छा हैं ये भी तो अरेंज हो सकते हैं ये जो तीन अक्षर अच्छा हैं, इनको भी तो अरेंज किया जा सकता है आपस में तो ये कैसे अरेंज होंगे ये भी फैक्टोरियल तीन तरीके से कितना आएगा सिक्स इसको लास्ट में भी ले लेते तो कोई फर्क ना पड़ता सही तो है मेरे बच्चों छत्तीस तरीके कोई डाउट हो तो हमको बता दीजिए आप लोग क्लियर हो गया अब आइए छब्बीस नंबर के क्वेश्चन पे ट्वेंटी सिक्स सभी लोग ध्यान दे हर एक बच्चा ध्यान दे इंडिपेंडेंस शब्द के अक्षरों से बनने वाले विन्यासों की संख्या ज्ञात कीजिए यदि सभी शब्द पी से प्रारंभ होते हैं लीजिए पी फिक्स हो गया मेरे बच्चों पी फिक्स हो गया बच्चा क्या आई एन डी फिर डबल ई दिखाई दे रहा है बच्चों ध्यान से देखिएगा डबल ई नहीं है रुकिए आई एन डी ई पी हटा दिया तो हां डबल ई दिख गया और भी ठीक है फिर एन है फिर डी है फिर ई e है फिर एन है फिर सी है ई e है एनडी ठीक है बेटा ये फिक्स हो गया तो इसकी कहानी खत्म जो फिक्स है उसको कहां अरेंज कर पाएंगे की जगह आपका फिक्स है वो कहीं भी फिक्स हो सकता है दाएं, बाएं बीच में दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे चौथे नंबर पे कहीं भी फिक्स हो सकता है और जो फिक्स है उसका अरेंजमेंट नहीं हो सकता सही है तो आपके अब अक्षर कितने बचे है? दो दो चार दो छ दो आठ दो दस और एक, एक ग्यारह अक्षर बचे हैं तो इसको अरेंज कितने तरीके से कर सकते हैं फैक्टोरियल लेकिन 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 यह उत्तर गलत हो जाएगा क्योंकि तो कई सारे अक्षर क्या कर रहे हैं रिपीट कर रहे हैं तो यहां अलग से लिख लें देखिए एन आपका कितनी बार आया है तीन बार लिख लेते हैं हमारे लिए सुविधा रहेगी मेरे बच्चों E कितनी बार आया डी कितनी बार आया डी दो बार आया है और ई e मेरे बच्चों कितनी बार आ गया गिनने में दिखाई दे रहा है चार बार आया है हर एक बच्चा देखे और एन हो गया डी हो गया और ई e हो गया बस देखिए तो ये कुल मिला के ग्यारह अक्षर हैं, कितने अक्षर हैं ग्यारह अक्षर इतने ही बचे हैं एक आपका अक्षर फिक्स हो गया है वो कहीं भी हो सकता है शुरुआत में हो सकता है लास्ट में हो सकता है दूसरे तीसरे चौथे पांचवे कहीं भी किसी भी नंबर पे हो सकता है लेकिन अगर वो फिक्स हो गया तो उसको हम लोग अरेंज नहीं कर सकते तो उसको छोड़ना पड़ता है ये ग्यारह अक्षर है यही अरेंज होंगे तो अरेंजमेंट का तरीका फैक्टोरियल ग्यारह होता है लेकिन यह सही नहीं है क्योंकि तो जितने अक्षर रिपीट होते हैं उनसे फैक्टोरियल से डिवाइड करना पड़ता है ध्यान से देखिए आप एन तीन बार देख रहे हैं तो फैक्टोरियल तीन से डिवाइड करिए डी आप दो बार देख रहे हैं देखिएगा दो बार देख रहे हैं तो फैक्टोरियल दो से डिवाइड करिए ई e, आप चार बार देख रहे हैं तो फैक्टोरियल चार से डिवाइड करिए अब फैक्टोरियल ग्यारह की वैल्यू याद नहीं करनी ब्रेक करना है देखिए ब्रेक करते हैं तो ग्यारह गुड़े दस गुड़े नौ गुड़े आठ गुड़े सात गुड़े छह गुड़े पांच गुड़े फैक्टोरियल चार और बटा में फैक्टोरियल तीन की वैल्यू जो होती है छह होती है फैक्टोरियल दो की वैल्यू दो और फैक्टोरियल चार की वैल्यू मेरे बच्चों फैक्टोरियल चार को फैक्टोरियल चार ही रखिए क्योंकि इससे ये काटना है समझ में आया अब देखिए छह से छह कट गया और दो का ध्यान से देखिएगा दो का इससे कटा दें सीधे चार आ गया अब गुड़ा करेंगे तो यह आएगा तेरह छियासी डबल जीरो दिस इज योर आंसर कौन सा आंसर सही है बी वाला बी वाला आंसर क्या है आपका सही है हर एक बच्चा जिम्मेदारी से देखे क्लास आपको कैसी लग रही है चीजें आपको समझ में आ रही है आ रही है कि नहीं आ रही है वो हमें मैथ कमेंट करके बताइए चलिए देखिए हर एक चीज बहुत डिटेल में समझा रहा हूं ये परमेशन कॉम्बिनेशन है पहली बार पढ़ रहा है तो आपको पहला वीडियो देखना पड़ेगा उसके बाद ही दूसरा वीडियो देखेंगे और दो बार देख लीजिए बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा बहुत मजबूती के साथ फिर इंडिपेंडेंस आ गया शब्द के अक्षरों से बनने वाले विन्यासों की संख्या ज्ञात नहीं यदि सभी स्वर एक साथ रहते हैं वैसा ही सवाल आ गया सभी स्वर एक साथ रहते हैं मेरे बच्चों देखिएगा लिखिए यहां पर स्वर को एक साथ लेना है तो व्यंजन कौन कौन से हो गए एन डी पी फिर एन फिर मेरे बच्चों फिर डी आ गया फिर एन आया फिर सी आया हो गया फिर मेरे बच्चों ध्यान से देखिए ये आ गया व्यंजन अब स्वरों की बात करनी है तो स्वरों को सबको एक साथ भरना है आई है आई देखिए कितनी बार है आई है फिर ई है कितनी बार है चार बार भर लीजिए और बच्चों यही है ना दो ही आपके आई और ई दो स्वर हैं लेकिन रिपीटेशन है इनका दो दो चार चार तीन सात समझ में आया बच्चों यहां दिखाई दे रहा है सात अक्षर कितना अक्षर सात अक्षर और इसको क्या मान लेंगे एक अक्षर कितना अक्षर मान लेंगे एक अक्षर सात में रखना है तो अब बताइएगा सात अक्षर और एक अक्षर कितना हो गया आठ अक्षर हो गए कितने अक्षर आठ अक्षर इनको कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं फैक्टोरियल आठ लेकिन ये उत्तर सही नहीं है कि फैक्टोरियल आठ तरीके से अरेंज कर सकते हैं आठ अक्षरों को रिपीटेशन हुआ है क्या हुआ है रिपीटेशन तो इसको किससे डिवाइड करेंगे ध्यान से देखिए एन मेरे बच्चों कितनी बार आया है तीन बार व्यंजन यहां देखिए सात अक्षरों में आपका एन कितनी बार आया है कितनी बार तीन बार तो फैक्टोरियल तीन से डिवाइड करेंगे डी कितनी बार आया है दो बार तो फिर फैक्टोरियल टू से डिवाइड करेंगे अब आप कहेंगे सर यहां तो ये यह चार बार आया है तो करिए फैक्टोरियल चार से डिवाइड मेरे बच्चों अभी इसको एक मान लिए हैं यहां अभी इसका कोई प्रभाव नहीं है इनको साथ में रखना था हमें स्वरों को वॉवल्स को तो हमने इसको एक मान लिया है तो ये आपके सात अक्षर और ये एक आठ अक्षर तो रिपीटेशन अभी हम यहां देखेंगे कहा देखेंगे यहां देखेंगे तो देखिए अरेंज करने का तरीका आठ अक्षरों को क्या हो गया फैक्टोरियल आठ लेकिन कुछ अक्षर रिपीट हुए हैं तो एन आया है तीन बार इसलिए फैक्टोरियल तीन से भाग कर देंगे दो आया है आपका दो सॉरी डी आया है दो बार इसलिए फैक्टोरियल दो से भाग कर देंगे काम पूरा नहीं हुआ है काम पूरा नहीं हुआ है इन पांच स्वरों को भी आप फैक्टोरियल पांच तरीके से अरेंज कर सकते हैं लेकिन फैक्टोरियल पांच तरीका नहीं बोलेंगे क्योंकि बच्चों इसमें ई कितनी बार आया है चार बार आ गया रिपीट कर गया इसलिए फैक्टोरियल चार से क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे तो ये हमारे तरीकों का कुल संख्या होगा ये हमारा आंसर होगा हर एक बच्चा जिम्मेदारी से देखेगा आई बात समझ में कोई डाउट हो तो आप लोग मुझे बताइएगा आ रहा है कि नहीं समझ में सबको सेशन आपको अच्छा भी लग रहा होगा क्लियर है कोई डाउट तो नहीं है समझ में आया कैसे हुआ फिर से देख लीजिए दोबारा इंडिपेंडेंस कुल बारह अक्षर हैं बोला गया है सभी स्वरों को एक साथ लेना है तो शब्द बनाने के कुल कितने तरीके होंगे परम्यूटेशन का सवाल है क्योंकि तो अरेंजमेंट करना पड़ेगा आपको यहां पर ऑर्डर यानी कि क्रम मैटर करेगा तो देखिए सात अक्षर ये आपके व्यंजन वाले हो गए कॉन्सोनेंट और यहां आपके पांच अक्षर मैंने ले लिए स्वर वाले बॉयल वाले इनको एक साथ लेना है तो बच्चों जब भी आप एक सात अक्षरों को लेते हैं तो उनको एक मान लेते हैं तो ये सात अक्षर इधर से एक अक्षर ये कुल आठ अक्षर हो गए तो आठ अक्षर से शब्द बनाने के तरीके फैक्टोरियल आठ होते हैं लेकिन अगर किसी का रिपीटेशन हुआ हो किसी अक्षर का तो उतने फैक्टोरियल से भाग दिया जाता है तो फैक्टोरियल आठ में आप किसका भाग देंगे एन कितनी बार आया है तीन बार तो फैक्टोरियल तीन से डी कितनी बार आया है आपका दो बार तो फैक्टोरियल दो से कोई कहेगा सर ई चार बार आया है तो करिए फैक्टोरियल चार से भाग इसमें नहीं भाग होगा यह अभी एक अक्षर की तरह काउंट हो रहा है आपका ठीक है तो यहां नहीं भाग होगा अब देखिए हम इसको भी तो अरेंज कर सकते हैं ये जो पांच स्वर हैं तो पांच स्वर को अरेंज करने का तरीका फैक्टोरियल पांच लेकिन बटा में करना पड़ेगा क्योंकि ई कितनी बार आया है चार बार तो फैक्टोरियल चार करना पड़ेगा आ रही बात समझ में बच्चों हर एक बच्चा जिम्मेदारी से देखेगा तो इसको सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा फैक्टोरियल आठ का मतलब हो गया आठ गुड़े सात गुड़े डायरेक्ट इसकी वैल्यू देख दें गुड़े, फैक्टोरियल की वैल्यू होती है पचास चालीस कैलकुलेशन में हमारे लिए आसान हो जाएगा और देखिए फैक्टोरियल पांच की वैल्यू हो गई एक सौ बीस और बटाम फैक्टोरियल तीन की वैल्यू फैक्टोरियल दो की वैल्यू दो और फैक्टोरियल चार की वैल्यू चौबीस हो गई कटा बटा देंगे आराम से चौबीस पांचे कितना हो गया एक सौ बीस मेरे बच्चों दो चौके आठ कटाइए आंसर दीजिए छह से ये कटेगा कितना आ रहा है सोलह आठ सौ यह आपका आंसर है उम्मीद है सबको समझ में आया होगा उम्मीद है सारे बच्चों को समझ में आया होगा क्लियर है समझ में आ रहा है बच्चों देखिए मैं एकदम सिस्टमेटिक वे में मैं समझा रहा हूं कि रटने वाली कोई कभी बात ना रहे तो रटी हुई चीजें एग्जाम में जाके भूल जाएंगे कंफ्यूजन में आपका वो माइनस मार्किंग करा देगा समझिए इस बात को आइए अट्ठाईस नंबर का क्वेश्चन है हर एक बच्चा देखे इंडिपेंडेंस फिर से बारह गए शब्द के अक्षरों से बनने वाले विन्यासों की संख्या ज्ञात कीजिए स्वर कभी भी एक साथ नहीं हो तो स्वर कभी भी एक साथ नहीं हो मेरे बच्चे तो इसमें करना क्या पड़ेगा आप यहां पर सभी अक्षरों से लेकर बने शब्दों की संख्या में से स्वर तो एक साथ वाले शब्दों की संख्या को घटा दीजिए तो पता चल जाएगा कि कोई भी स्वर एक साथ नहीं है स्वर कभी भी एक साथ नहीं है उसका आंसर आ जाएगा क्लियर सारे बच्चों को तो क्या करना पड़ेगा नहीं वाले के लिए घटाना पड़ता है कभी भी तभी स्वर एक साथ ना आए इसलिए क्या करना पड़ेगा मेरे बच्चों तभी शब्दों सॉरी सभी अक्षरों को लेकर बने शब्दों की संख्या और माइनस क्या होगा सभी त्वर सात वाले शब्दों की संख्या आगे आप समझ में नहीं पूछा है ना स्वर साथ ना आए तो बच्चों क्या करेंगे सभी शब्दों सभी शब्दों को पता करेंगे जो सभी अक्षरों को लेकर बने हुए हैं सभी अक्षरों को लेकर बने हुए ध्यान दीजिएगा उनमें से आप क्या करेंगे क्या करेंगे उनको घटा देंगे जिनमें स्वर एक साथ आए हों क्लियर है उनकी संख्या घटा देंगे जिसमें स्वर एक साथ आए हों तो इसका क्या है सिस्टम फैक्टोरियल बारह है ना बच्चों ये पूरा कितने अक्षर है पूरे वहां पर बारह है तो फैक्टोरियल बारह और में क्या करेंगे बताइए फैक्टोरियल आपका आई कितनी बार आया है एक ही बार एन कितनी बार आया है एन आया तीन बार फैक्टोरियल तीन से भाग करेंगे फिर डी आया है कितनी बार दो बार फैक्टोरियल दो से भाग करेंगे आपका ई e. कितनी बार आया है चार बार फैक्टोरियल चार से भाग करेंगे एन कितनी बार आया है एन आपका आया है मेरे बच्चों एन हो गया है ठीक है ठीक है ये आपका आई एक बार भी नहीं आया है एन कितनी बार आया है तीन बार आपका ई e, आया है चार बार और डी आया है दो बार हो गया ये किसका रिजल्ट है सभी अक्षरों को लेकर बनाए गए सभी शब्दों की संख्या ये है कितने प्रकार से शब्द आपके बनाए जा सकते हैं तो इतने प्रकार से बनाए जा सकते हैं यह आ गया इसमें से क्या घटाएंगे आप इसमें से पिछला वाला जो रिजल्ट था आपका क्या था मैं दिखाता हूं आपको देखिएगा ये सोलह आठ सौ ये क्या निकाला है आपने सभी स्वर ध्यान से देखिएगा सभी स्वर एक साथ वालों को आप इसमें से क्या कर दीजिए माइनस कर दीजिए डायरेक्ट सोलह आठ सौ माइनस कर देंगे रिजल्ट सॉल्व करिएगा इसको बैठ के आराम से तो रिजल्ट क्या आएगा एक में रुक जाइएगा क्लियर है मेरे बच्चों कितना आ रहा है सोलह छियालीस एक मिनट सॉरी 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 सोलह छियालीस चार सौ यह आपका आंसर है आ गया सबको समझ में कोई डाउट हो तो हमको बताइएगा हर एक बच्चा जिम्मेदारी से देखे ठीक है आइए इसके बाद ट्वेंटी नाइन नंबर का क्वेश्चन है इंडिपेंडेंस शब्द के अक्षरों से बनने वाले विन्यासों की संख्या ज्ञात कीजिए यदि शब्द आई से प्रारंभ हो और उनका अंत पी से हो जाए बस सिंपल है यहां अक्षर फिर हमारे पास दस ही रह जाएंगे क्योंकि आई और पी क्या हो गए हैं फिक्स हो गए हैं मेरे बच्चों आई और पी फिक्स हो गए तो अक्षर बचे केवल क्या दस अक्षर बचे तो इनको बनाने का तरीका फैक्टोरियल दस होगा लेकिन फैक्टोरियल दस ले नहीं सकते क्यों नहीं ले सकते क्योंकि एन आपका कितनी बार आया है तीन बार आया है इसलिए फैक्टोरियल तीन से इसको क्या करेंगे भाग करेंगे डी कितनी बार आया है दो बार आया है तो किससे भाग करेंगे फैक्टोरियल दो से और मेरे बच्चों यहां ई कितनी बार आया है चार बार आया है तो फैक्टोरियल चार से भाग करेंगे आया समझ में क्लियर हो गया अब इसको जब सॉल्व किया जाएगा तो वैल्यू कितनी आएगी बारह आएगी इसको आप हल करना सीख चुके हैं हल कर लीजिए बारह ये आंसर है इंडिपेंडेंस शब्द के अक्षरों से बने शब्दों की संख्या का जिसमें शब्द आपका आई से प्रारंभ हो रहा है और पी पर उनका अंत हो रहा है यानी कि आई और पी का स्थान क्या है फिक्स है आई और पी का स्थान फिक्स है क्लियर है सारे बच्चों को आ रही है बात समझ में चलिए लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का देखते हैं आगे के क्वेश्चन आपके अगले सेशन में मिलेंगे लेक्चर थ्री में और पहले लेक्चर में मैंने बेसिक पढ़ाया है दूसरे लेक्चर में एक से लेकर तीस क्वेश्चन तक आगे के क्वेश्चन टोटल हंड्रेड क्वेश्चन मुझे कराने हैं आगे के सेशन में अगले लेक्चर में आपको आगे के क्वेश्चन दिखाई देंगे चलिए ध्यान से देखिएगा शब्द है इलाहाबाद के अक्षरों से कितने भिन्न भिन्न शब्द बनाए जा सकते हैं यदि सभी स्वर सम स्थानों पर हो स्वर सभी कहा रखने हैं सम स्थानों पर तो सम स्थान कौन कौन से होंगे मेरे बच्चों सम स्थान कौन कौन से होंगे ध्यान से देखिएगा Uh, आपका सेकंड नंबर का स्थान समस्थान होता है फोर्थ भी क्या होता है आपका समस्थान होता है ध्यान से देखिए आपका रोमन में लिखने से अच्छा है सेकंड स्थान भी समस्थान आपका फोर्थ सिक्स भी क्या होता है समस्थान और एट भी क्या होता है मेरे बच्चों समस्थान होते हैं ये चार समस्थान है चार समस्थानों पे आपके पास कितने स्वर हैं ए ए ए और ए ये चार स्वर हैं। चार स्वर है मेरे बच्चों चार स्वर हैं चार स्थानों पर सेट करना है कितने स्थानों पर सेट करना है चार स्थानों पर सेट करना है और बाकी जो आपके बच्चे हैं व्यंजन इधर उधर सेट कर देना है कितने स्थान बचते हैं तीन तीन छ तीन नौ देखिएगा कितने स्थान है तीन तीन छीन नौ टोटल नौ अक्षर हैं इन्हीं को सेट करना है चार स्थान तो फिक्स हो चुके हैं यहां पर कौन आएंगे वहां पर आएंगे बच्चों आपके स्वर आएंगे और ये बात समझ में बाकी के जो पांच स्थान है वहां आएंगे व्यंजन बाकी के पांच स्थान पर क्या आएंगे व्यंजन हर एक बच्चा देखे पांच स्थान पर व्यंजन और चार स्थान पर सुनिए तो पांच स्थान पर व्यंजन हर एक बच्चा देखेगा पांच स्थान पर व्यंजन आने का सिस्टम क्या होगा बताइएगा पांच स्थान पर व्यंजन कैसे आ सकता है मेरे बच्चों बताइए बोलिए क्लियर करिए सारे बच्चे आंसर दीजिए हाँ ये नंबर है यहां फिक्स है ये जगह फिक्स है आपकी ठीक है यहां क्या आएगा आपका ही आएगा जल्दी बोली देखिए बच्चे आंसर दे रहे हैं फर्स्ट में वन लास्ट में होगा मेरे बच्चों बताइए ध्यान से देखिए चार स्थान पर मेरे बच्चों जो स्वर आएंगे यहां पर ये चारों के चारों क्या हैं चारों के चारों ए हैं तो चार स्थान पर भरना है तो फैक्टोरियल चार तरीके तो होंगे लेकिन आप किससे डिवाइड करेंगे फैक्टोरियल चार से हर एक बच्चा देखे फैक्टोरियल चार से डिवाइड करेंगे तरीके एक हो गए अब देखिए गुड़े पांच स्थान पर क्या आना है

ये आ गया बच्चों पांच गुड़े फैक्टोरियल पांच की वैल्यू कितनी एक सौ बीस एक सौ बीस बटा में दो और गुड़े ये एक हो जाएगा एक सौ बीस बटा में दो और गुड़े ये एक हो गया कितना आ रहा है साठ साठ तरीके होंगे हर एक बच्चा देखेगा साठ तरीके यहां पर आप बताइए खुद देखिए ए आपका सब सेम ही है तो बच्चों इसका अरेंज करने का तरीका क्या होगा एक ही होगा इन चार स्थान पर सब पे ए आएगा आप कहीं एक को उठा के इधर उधर भी कर देंगे तो क्या फर्क पड़ता है वो तो क्या होगा आपका एक ही तरीके में काउंट होगा तरीका यहां एक हो गया हर एक बच्चा देखेगा ये तरीका यहां एक तरीका हो गया यहां इसका अरेंजमेंट करना है और पांच स्थान पर क्या लेना है व्यंजन लेना है पांच स्थान पर क्या लेना है व्यंजन तो ये क्या हो जाएगा आपका बताइए फैक्टोरियल फाइव बाई फैक्टोरियल टू यानी कुल तरीके हो गए कितने आपके साथ चलिए आंसर गलत दिया हुआ है